अगर आप लोग जो है 2022 का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए रियल मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आपसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे अगर आप ये मॉक टेस्ट हमारे साथ बने हैं और कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो बच्चे अभी आई नहीं हुए हैं एग्ज़ाम में अगर अभी उनका एग्ज़ाम आने वाला है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक उनके प्रॉब्लम्स इससे मिलते जुलते होंगे इवन नंबर आप क्वेश्चन किस पोजीशन पे आ रहा है वो भी चीज आपको मिलती जुलती मिलेगी राइट right? ओके okay. तो आइए अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम आपको मिलता है इसमें यहां पर क्या रखा है जीवा कमल की पुत्री है जीवा कमल की पुत्री है तो पहले कमल को बनाओ जीवा कमल की पुत्री है ठीक है तो मान लो ये कमल है जीवा कमल की पुत्री है तो कमल को बना लेते हैं ये कमल आ गया और जीवा इसकी पुत्री है तो जीवा को बना लेते हैं ये जीवा आ गई ठीक है कमल के दो बेटे हैं तो यानी कि जीवा के दो भाई भी बना लेते हैं इनके दो बेटे हैं फिर क्या कहता है अदा मनविता की पुत्री है मतलब अदा जो है मनविता की पुत्री है लेकिन अभी मनविता कौन है अभी मुझे पता नहीं है फिर क्या कहता है जो कमल के पुत्र की पत्नी है मतलब मनविता जो है कमल के पुत्र की पत्नी है तो कमल के किसी पुत्र की शादी कर देते हैं ठीक है मान लो यहाँ पे शादी कर दिया और ये मनविता आ गई मनविता आ गई और अदा इसकी पुत्री है तो अदा इसकी पुत्री हो गई है अदा आ गई ठीक है फिर क्या कहता है फिर क्या कहता है देखो बीनू प्रेम की माँ है भाई बीनू प्रेम की माँ है तो अभी बीनू है कौन आई डोंट नो प्रेम अशोक का भाई है प्रेम अशोक का भाई है अच्छा प्रेम अशोक का भाई है जो अदा का पिता है तो जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा आपको बताया गया है कि बाद वाले के लिए होता है मतलब जो शब्द का इस्तेमाल अशोक के लिए हुआ है तो इसका नाम आप अशोक रख सकते हैं और कहता है कि प्रेम अशोक का भाई है तो प्रेम आपका यहाँ पे आ जाएगा ये प्रेम हो गया प्रेम अशोक का भाई है ठीक है अदा बीनू से कैसे संबंधित है बीनू प्रेम की माँ है बीनू अगर प्रेम की माँ है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि प्रेम ये कमल है तो इसकी पत्नी कौन हो जाएगी वीनू? वीनू इसकी पत्नी हो जाएगी ठीक है क्योंकि वीनू प्रेम की माँ है तो वीनू प्रेम की माँ है इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका पिक्चर बन चुका है अब जो भी सवाल पूछेगा आप बता सकते हैं आपसे पूछा है कि अदा वीनू से कैसे संबंधित है हाउ इज अदा रिलेटेड टू वीनू अदा का बीनू से क्या संबंध है अदा का बीनू से क्या संबंध है से से कहाँ की तरफ चलेंगे तो बताओ इसका ये क्या है बेटा है और ये भी क्या लगेगा भाई है तो बेटा ही लगेगा और बेटा की बेटी बेटा की बेटी क्या होती है ग्रैंड डाटर यानी दोस्त आपका आंसर क्या बनेगा ग्रैंड डाटर बनेगा राइट है ना भाई बोलो राइट है तो सबको समझ में आया पूरा फिगर आप अगर आपको ब्लड रिलेशन में फिगर बनाने आता है तो किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आप फटाफट -फड़ कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है ठीक है अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम है देख सकते हैं एक निश्चित कूट भाषा में आर ई e फ आई एन ई रिफाइन को लिखता है के एच ओ के एच ओ जेड के एल ऐसे लिखता है तो उसी कोड भाषा में सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे आपसे पूछ रहा है तो देखिए सबसे पहले इसमें देखो कि क्या हो रहा है इसमें क्या हुआ माइनस सेवन ठीक है और यहाँ पर क्या हुआ पाँच तीन आठ प्लस थ्री हुआ फिर क्या हुआ अब यहाँ पर देखो कितना जोड़ रहा है छ प्लस नाइन और यहाँ पर क्या हुआ था प्लस नाइन ओके तो प्लस नाइन हो रहा है तो भाई कोई लॉजिक हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे देखिए नौ है छब्बीस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस सेवेंटीन कोई लॉजिक नहीं मिल रही है तो यानी अगर कोई लॉजिक नहीं है तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा फिर और कुछ सोचना पड़ेगा माइनस सेवन प्लस थ्री प्लस नाइन तो ये तो कोई लॉजिक हुई नहीं है ना तो अब इसके बाद क्या करेंगे अब इसके बाद हम लोग कुछ और सोचेंगे यानी कि ये बात तो देखो नहीं है ठीक है देखो अब क्या करेंगे रिफाइन का कोड अगर ऐसा है तो आपको पूछ रहा है सॉल्वेंट का कोड क्या होगा ठीक अब यहां पर देखो यहां पर क्या कर सकता है के एच ओ जेड के एल ठीक अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू पांच होती है इसकी ग्यारह होती है है ना तो छह पांच ग्यारह यानी प्लस सिक्स कर सकते हैं यहाँ पे और इसकी तुलना अगर इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा और इसकी तुलना इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा नौ छः पंद्रह प्लस सिक्स हो जाएगा और इसकी तुलना अगर इससे करते हैं माइनस सिक्स करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो जेड होता है और पाँच में छः जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स अलेवन हो जाएगा और माइनस सिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा यानी कि रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग किया गया है यानी कि प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स अल्टरनेट ऑर्डर मिल रहा है तो यही लॉजिक अगर हम लोग इस्तेमाल कर दें तो क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले क्या करता है प्लस सिक्स किया है तो बीस छः छब्बीस हो जाएगा जेड फिर माइनस सिक्स करेंगे तो यच हो जाएगा फिर प्लस सिक्स करेंगे छः पाँच ग्यारह के हो जाएगा माइनस सिक्स करेंगे तो बाईस में से छः घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो बाईस में से छः घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा सोलह पी आ जाएगा फिर इसके बाद क्या कहता है बारह छः अट्ठारह आर आ जाएगा फिर इसके बाद क्या होगा माइनस सिक्स पंद्रह में से छः घटा दो आई आ जाएगा और फिर प्लस सिक्स वाई हो जाएगा तो ऐसा जो भी होगा मेरा आंसर हो जाएगा जेड एच के पी आर आई वाई जेड एच के पी आर आई वाई जेड एच के पी जेड एच के पी तो देखो जेड एच के पी आर आई वाई आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा यानी रिवर्स कोडिंग किया गया है राइट अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ जल्दी से ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया कहता है इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड ऑर्गन इज रिटन एज एंड ऑर्गन ओ आर जी ए एन का कोड लिखता है क्या लिखता है क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू डी एल सी इसके बाद क्या बोलता है ऑपरेट ओ पी ओपी ई आर ए टी ऑपरेट का कोड क्या लिखता है Q B X Q B X W L W L S X अब देखो मैंने आपको पढ़ाते समय एक चीज़ बताया होगा कि जब भी दो लाइन देकर तीसरी लाइन अगर पूछता है और तीसरे लाइन की स्पेलिंग अगर एब दोनों लाइनों से बनाई जाती है तो याद रखना कि ये फिक्स कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है यानी कि करस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है यहाँ पर ओ कामन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ कामन है ठीक है अगर ओ कामन है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ओ कामन है तो यहां पर देखो ओ कामन है तो यहाँ क्यू भी कॉमन है और कोई लेटर इसमें मार्क करिए जो कामन हो सेकेंड प्लेस पर आ रहा है और यहाँ फोर्थ प्लेस पर आ रहा है तो सेकेंड प्लेस पर यहां डब्ल्यू है फोर्थ प्लेस पर डब्ल्यू है इट मींस क्लियर कि ये जो है फिक्स कोडिंग रिकोडिंग है तो बस दिमाग तो लगाना ही नहीं सीधा इसमें से वैल्यू उठाइए और कोड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा है ना क्या पूछा है आपसे जनरेटर पूछा है ना तो जी का कोड यहाँ से ले लीजिए क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे डी है और ई e का कोड आपको लिखना है लास्ट वाला कोड इसका ले लीजिए एक्स आ जाएगा डी एक्स तो डी एक्स देखो सब में है है ना फिर इसके बाद यन का कोड लिखना आपको तो देखो सी हो जाएगा डी एक्स सी होना चाहिए तो डी एक्स सी सब में है फिर इसके बाद ई e का कोड लिखना आपको तो ई e का कोड क्या है एक्स है तो x ले लीजिए डी एक्स सी एक्स होना चाहिए सब में है अब इसके बाद क्या करें r का कोड लेना आपको तो w आ जाएगा x के बाद w होना चाहिए तो ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा ठीक है x के बाद w होना चाहिए तो ये भी हट जाएगा x के बाद w होना चाहिए तो दो विकल्प आपका मैच हो रहा अभी डी एक्स सी एक्स डब्लू डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू डी एक्स सी एक्स डब्लू अब आगे देखो अब आगे देखो अब R का कोड आपको लिखना है आर का कोड यहाँ से देख लो आर का कोड दूसरे नंबर पे डब्ल्यू आ रहा है ये तो लिख लिया अब ए का कोड लिखना है ए का कोड देखो इधर से तीसरा यल है तो डब्लू के बाद क्या चाहिए एल चाहिए डब्लू के बाद क्या चाहिए एल चाहिए और यहाँ डब्ल्यू के बाद की है तो ये भी हट जाएगा आंसर आपका क्या बनेगा बी यानी कि आपने देखा कि जब दो लाइन देकर तीसरी लाइन पूछता है तो तीसरी लाइन की स्पेलिंग अगर ए दोनों लाइनों से बनाई जाती है तो इट मीन क्लियर कि ये फिक्स कोडिंग डिकोडिंग है अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग जल्दी से करें तब तक मैं देखता हूं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी चलें आप लोग फटाफट फड़ क्वेश्चन को करें तब तक यार ओके बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं जो कि रेगुलर पढ़ने वाले हैं वो तो आएंगे ही ठीक है अभी मैं आपको मॉनिटर लगा देता हूं जिस पर हम लोग कमेंट लाइव पढ़ेंगे सब बच्चे लाइव कमेंट होंगे देखो प्रेमचंद्र हैं प्रतिष्ठान सतीश यादव शिबू राय अमन दुबे हिमांश अनुभव मिश्रा नीलेश शुक्ला बहुत सारे बच्चे हैं सब जुड़ चुके हैं रितेश द्विवेदी हाउ आर यू रितेश अमन दुबे नीलेश शुक्ला और आप लोग यार थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर भी कर दो जल्दी से वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो है ना अभी बैक टू बैक आपकी मैथ भी मैथ्स की भी क्लास चलने वाली है ठीक है इसके बाद आपकी मैथ्स की भी क्लास होने वाली है तो अभी रीजनिंग मैं करा लूँ फिर इसके बाद मैथ्स भी होगा और भी बच्चे जो नहीं आए हैं उनको भी आप लोग थोड़ा इन्वाइट कर दो जल्दी से अर्पित यदुवंशी ठीक है ना चलो अगले क्वेश्चन पे चलें इधर देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कहता है सेब इसका मान उन्नीस इसका एक इसका बाईस इसका पांच होता है आपको क्या लग रहा है पांच बाईस एक उन्नीस कहने का मतलब यह है कि रिवर्स ऑर्डर में इसका कोड कर दिया है रिवर्स ऑर्डर में इसका कोड उठा के कर दिया बस और कुछ नहीं करना है रिवर्ट ऑर्डर में अगर कोड करोगे ना तो इसका कोड क्या लिखोगे अलेवेन वन फाइव ट्वेंटी थ्री तो ट्रिपल वन फाइव ट्वेंटी थ्री यानी आंसर आपका ये हो गया इसमें तो सोचना ही नहीं था ये तो बहुत ईजी था क्यों बच्चे ईजी था कि नहीं बोलो जल्दी अरे आज मास्टर वास्टर दिख नहीं रहे है, हैं कहाँ हैं सब आए हैं कि नहीं है ना <laughs> ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट और भी शेयर करो अभी 150 हुए हैं है ना 500 प्लस पहुँचाना आज 500 लाइव होना चाहिए कम से कम 500 से कम नहीं होना चाहिए ठीक है देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको तरीका मैंने क्या बताया कि जो कॉमन लेटर है पैसे पहले उसको क्या करने डिलीट कर देने हैं ना तो देखो सब सब इसमें है ना तो सब्स तक डिलीट करो यहां तक है ना यहां तक डिलीट कर दो सब्स तक डिलीट हो गया सब में अब आई का मान नौ होता है इसका मान बीस होता है इसका मान पाँच होता है इसका मान तीन होता है इसका मान बीस होता है तो सबसे पहले तीन आएगा मतलब दो नंबर आएगा फिर पाँच आएगा फिर इसके बाद एक आएगा अब बीस वाले में अगर बात करें तो इसके बाद ए है इसमें भी ए है यहाँ पर यन है इसमें भी यन है यहाँ पर टी है यहाँ पर डी है तो चार आएगा इसके बाद तीन आएगा दोस्तों आपका यही आंसर बनेगा तो टू फाइव वन फोर थ्री टू फाइव वन फोर थ्री टू फाइव वन फोर थ्री आंसर विल बी सी है ना भाई करेक्ट है ना सबको आंसर आपका सी करेक्ट है बिल्कुल सी करेक्ट है ना भाई है ना सी आंसर करेक्ट है कि नहीं बोलो फटाफट फड़ जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं यह फिर से एनालॉजी का प्रॉब्लम आ गया देखते हैं क्या हो रहा है भाई ये देखो कभी भी एनालॉजी का प्रॉब्लम बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो अब इसको नीचे लिख लो इसके V है R है R है B है X है।, है अब देखो क्या हो रहा है अब देखो क्या हो रहा है अब बीस दो बाईस प्लस टू हुआ और एक क्या हुआ भाई माइनस थ्री हुआ फिर चौदह चार अट्ठारह प्लस फोर हुआ फिर माइनस थ्री हुआ फिर क्या हुआ अठारह छः चौबीस प्लस सिक्स हुआ यानी कि आप देख सकते हैं जो प्लस वाली सीरीज है दो दो से बढ़ रही है दो दो चार दो छः और अल्टरनेट माइनस थ्री माइनस थ्री चल रहा है तो सिमिलर लॉजिक आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है सबसे पहले प्लस टू करना है तीन दो पाँच का ई हो जाएगा और इसके बाद माइनस थ्री करना है तो आई हो जाएगा फिर आपको क्या करना है चार जोड़ना है पंद्रह चार उन्नीस का यस हो जाएगा फिर माइनस थ्री करना है जीरो का जेड हो जाएगा फिर इसके बाद आपको छः जोड़ना है ग्यारह और छः सत्रह का क्यू हो जाएगा तो देखिए जिसके ला ये दो ऑप्शन तो आप तुरंत हटा सकते हैं क्यू के आधार पे और ई आई एस जेड क्यू ई आई एस जेड क्यू यानी आंसर आपका क्या बनेगा बी बनेगा इस क्वेश्चन में आंसर आपका दोस्तों बी बनेगा और आई थिंक किस सब लोगों ने बना भी लिया होगा राइट ओके okay. राइट right है कि नहीं सबका आंसर आ रहा है और मास्टर बहुत मगन हो रहे और रहते कहाँ हो भाई क्लास व्लास मेरी तुम अटेंड नहीं करते हो हैं प्रेमचंद बी लौकुस विश्वकर्मा निधि दुबे अर्पित धीरज द्विवेदी अच्छा सभी बच्चों का आंसर भी आ गया राइट आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं जल्दी से ये देखो यहाँ पर नंबर एनालॉजी है और नंबर एनालाजी में क्या इन्होंने लगा रखा है भाई ये देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तीन आठ सात नौ तो भाई ये तो कोई भी कर सकता है रिवर्स ऑर्डर में कर दो आठ पाँच नौ एक आठ पाँच नौ एक आठ पाँच नौ एक आट, आंसर क्या हो गया सी हो गया इस क्वेश्चन में आंसर सी बनेगा है ना आंसर सी सबका अरे बोलो सभी बच्चों का आंसर सी है कि नहीं सी आंसर करेक्ट है कि नहीं सबका बोलो जल्दी क्वेश्चन नंबर सेवन में आंसर जल्दी करो सेवन का सी होगा ना बिल्कुल बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन करते हैं चलो देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट करते हैं और इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूँ बताओ रवेला किससे होता है वायरस से होता है ये नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आपको जुलॉजी बॉटनी का नॉलेज है तो ये चीज़ों को भी आप कर लेंगे उसमें डिजीजेज़ पढ़ाए जाते हैं ठीक है बायो में अगर आप पढ़े होंगे तो डिजीजेज पढ़ाए जाते हैं रवेला का कारक क्या है वायरस है वैसे मलेरिया मलेरिया का कारक क्या होगा बोलो क्या होगा पैरासाइट मच्छर क्या होता है पैरासाइट है ना तो इसमें आंसर पैरासाइट राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्वेश्चन नंबर नाइन और इस क्वेश्चन को मैं मौका दूंगा आपको छाटने का चलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फटाफट छाटें पड़ इस क्वेश्चन में आपको मैं मौका दे रहा हूं सभी लोग करें जल्दी करें आप लोगों को मौका दे रहा हूं मैं इसको छाटने का फटाफट पड़ करें जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएं आंसर इस क्वेश्चन को करके आंसर बताएं क्या होगा जल्दी से जल्दी करो भाई जल्दी करो इस क्वेश्चन में कौन छाट रहा है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करें सब लोग जल्दी फटाफट करें काजल मौर्य सिंपल आकाश कार्तिके चलो फटाफट करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन मैं वेट कर रहा हूँ आई एम वेटिंग यार जल्दी करो इतना टाइम थोड़ी ना होता है देखते हैं कितने बच्चे इसको कर लेते हैं जल्दी करो और थोड़ा अच्छे अच्छे मैसेज भी करो ठीक है और अच्छे अच्छे मैसेज भी चाहिए सुन रहे हो कि नहीं फटाफट -पड़ करो जल्दी से आ जाओ जल्दी से इधर देखो मैंने तुमको इसको दिया था किसी भी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया फटाफट फड़ करो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है इसकी नंबरिंग कर लेना है क्या करना है नंबरिंग कर लेना है राइट right? चलो इसका नंबर कर लेते हैं इसका नंबर कर लेते हैं ठीक है चलिए इसका नंबर कर लेते हैं इसका नंबर एक होता है इसका नंबर बीस होता है और इसका आठ होता है इसका चार इसका तेरह इसका नौ होता है और इसका अट्ठारह इसका दो इसका छः होता है इसका तीन इसका सात इसका सोलह होता है डेफिनेटली हम लोग यही जानते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग को क्या करना चाहिए कि डिफरेंसेस से करना चाहिए क्या डिफरेंसेस से क्वेश्चन हम बना पाएंगे और डिफ्रेंसेज लेते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंसेज आ रहा है और वो भी एक सिमिलर कॉमन क्वालिटी नहीं मिल रही है ठीक है एक सिमिलर कॉमन क्वालिटी होना चाहिए एक सिमिलर कॉमन क्वालिटी होना चाहिए जितना आप इजी समझ रहे हैं उतना इजी है नहीं ये है? है ना कभी कभी क्वेश्चन बहुत टपेश पूछ लेता है आपको लगता है कि ये छाटने वाला सवाल है बहुत इजी है आउट ऑफ फोर थ्री आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॉमन क्वालिटी वन इज ऑट मैन दिस वन इज योर आंसर ओके okay. फटाफट करो आप जितना इजी में ले रहे हो ना उतना इजी है नहीं है है ना आपको लग रहा होगा कि छाटने वाला सवाल है तो कोई भी कर लेगा अब इसकी लॉजिक देख लो जरा ये बताओ अब इसकी लॉजिक जरा देखना क्या है ठीक है अब ये बताओ अट्ठारह और दो कितना होता है अठारह दो बीस होता है अठारह दो क्या होता है बीस होता है बीस कौन सा लेटर होता है टी होता है और टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है और जी में से एक घटा दिया जाए तो क्या आता है या फाता है कि नहीं बोलो आता है ना ओके अब इसी तरह देखो सोलह और तीन कितना होता है उन्नीस होता है उन्नीस किसका मान होता है एस का मान होता है ठीक है एस का अपोजिट कौन होता है एच होता है और यच का मान क्या होता है आठ होता है और एक घटा देगा इसमें से तो बताओ जी आएगा क्या यस yes, जी आएगा सिमिलर कॉमन क्वालिटी है यहाँ पर देखो नौ चार कितना होता है तेरह होता है तेरह होता है और तेरह का अपोजिट कितना होता है चौदह यानी कि यम का अपोजिट क्या होता है यन होता है और यन का मान कितना होता है चौदह और चौदह में से घटाएँगे तो कितना आएगा तेरह और तेरह किसका मान होता है यम का होता है सिमिलर लॉजिक है कि नहीं यानी आंसर आपका क्या होगा ए होगा क्योंकि आठ और एक नौ होता है नौ किसका मान होता है आई का होता है आई का अपोजिट आर होता है आर में से एक कम करेंगे क्यू आएगा तो यहाँ पर तो टी है ना तो थ्री आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॉमन क्वालिटी और दिस वन इज योर ऑड मैन दिस वन इज योर आंसर बिकॉज दिस इज ऑड मैन ठीक है ओके आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जितने हल्के में आप इस क्वेश्चन को ले रहे थे उतना हल्के में था नहीं है ना कुछ लोग तो सोचते हैं रीजनिंग क्या पढ़ना है रीजनिंग तो हम उसी दिन देख लेंगे और समय आप रीजनिंग को नहीं देख लेते हैं रीजनिंग ही आपको देख लेती है ठीक है परीक्षा हाल में जो ये सोच के रीजनिंग नहीं पढ़ते कि हम तो उसी दिन देखेंगे ना उनको रीजनिंग ही देख लेती है उस दिन ठीक है इधर देखो अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर टेन पे आओ इस क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से करिए क्या होगा जल्दी करो फटाफट ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है पहले आप समझिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका बेटा ये है कि हमेशा इस स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की तरफ आपको फ्लो करना है यानी कि आपका ऊपर की तरफ छोटा है और इधर बड़ा है तो इसमें आपको इधर से इधर को तरफ मूव करना है राइट अब इसमें मूव तो करना है लेकिन अब आप, आप करेंगे क्या सात का स्क्वायर कितना होता है उनचास होता है चार का वर्ग कितना होता है सोलह नौ छः पंद्रह को पाँच रिमाइंडर एक चार एक पाँच एक छः पैंसठ ही आया और हमारा तो चार सौ सात हो रहा है तो याद रखो कि एस एस सी को एस एस सी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको मैं बता दूं कि क्यूब और स्क्वायर से बहुत उसको मोहब्बत है तो आप एक काम करो कि स्क्वायर करके तो देख लिया अब क्यूब करके भी देख लो तब भी ना बने तो फिर मल्टीप्लीकेश मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे क्योंकि ये डिजिट बहुत बड़ी है ठीक है तो सात का अगर क्यूब करते हैं तो थ्री फोर्टी थ्री आता है और अगर चार का क्यूब करते हैं तो कितना आता है चौंसठ आता है अब इसे अगर ऐड करते हैं तो चार तीन सात छः चार दस तीन एक चार चार सौ सात बनता है मतलब कि इनका क्यूब करके ऐड कर देना है तो बताओ यहाँ पर अगर क्यूब करते हो नौ का क्यूब सात सौ उनतीस होता है प्लस यक्स क्यूब कर लो और ऐड करने पर कितना आएगा सात सौ छप्पन आएगा तो सात सौ छप्पन इसमें से सात सौ छप्पन आ रहा है तो सात सौ छप्पन में से सात सौ उनतीस घटा दो तो कितना आ जाएगा बोलो सात सौ छप्पन में से सात सौ उनतीस को घटा दीजिए कितना आ रहा है बोलो कितना आ रहा है बोलो सत्ताईस और सत्ताईस का क्यूब रूट सत्ताईस का क्यूब रूट क्या होता है थ्री होता है तो आंसर आपका क्या बनेगा थ्री बनेगा इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था क्यूब करके ऐड करना था और आई थिंक कि आप लोग भी कर लिए होंगे इस समय मैं ऑफलाइन क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे इसको आंसर थ्री आएगा डेफिनेटली डेफिनेटली यू आर राइट अगले क्वेश्चन पर देखो अभी वन एटी एटी आए हैं अब पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता क्या कहाँ चले गए सब घूम रहे हैं सब आज खिचड़ी मना रहे हैं है ना आज संगम घूम रहे हैं सब देखो अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर अलेवन देखते हैं ये आपकी नंबर सीरीज है नंबर सीरीज में मैंने आपको क्या बोला है आपको कुछ भी समझ में ना आए तो एक थम रूल आपको बताया कि डिफरेंसेस इसका डिफरेंस अगर लेगा तो कितना आएगा वन आएगा अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा बोलो नौ आएगा और इसका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा बोलो पच्चीस आएगा और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस यानी एक आपको क्या दिख रहा है ऑर्ड नंबर का स्क्वायर दिख रहा है एक का स्क्वायर है एक दो तीन का स्क्वायर है तीन दो पाँच का स्क्वायर है पाँच दो सात का स्क्वायर यानी उनचास और सात दो नौ का स्क्वायर है ना एटी वन तो क्या करना है मुझे ये देखो अब छत्तीस में एक जोड़ा सैतीस सैतीस और नौ छियालीस और छियालीस और पच्चीस इकहत्तर इकहत्तर और उनचास जोड़ दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा नौ एक दस और सात चार ग्यारह एक बारह वन ट्वेंटी आंसर बनेगा आंसर आपका क्या बनेगा बी तो सारे बच्चों का आंसर बी है कि नहीं बोलो जल्दी ये तो बोला गया था ना थम रूल बताया था डिफरेंस ले लेगा ले काम खत्म हो जाएगा फटाफट चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये देखो पाँच सौ साठ दो सौ अस्सी एक सौ चालीस सत्तर है ना भाई देखो एस एस सी जी डी में क्या होगा या तो उसका जो लेवल है एकदम ही डाउन होगा या तो उसका लेवल एकदम ही हाई होगा है ना ये बीच का लेवल नहीं उठाता है या तो एकदम आसान या तो एकदम कठिन देखो इधर इसमें क्या करेंगे सत्तर का दोगुना करेगा ना तो एक सौ चालीस हो गया इसका दोगुना इसका दोगुना यानी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू करेगा थर्टी फाइव आंसर बोलो भाई है कि नहीं है ना आंसर थर्टी फाइव आंसर है कि नहीं थर्टी फाइव वन नाइन्टी टू अभी आए हैं बाकी लोग लग रहा है संगम में टहल रहे हैं आज घबराओ मत मैं भी पढ़ा के उधर ही आता हूँ चिंता ना करो ठीक है इधर देखो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन लेटर सीरीज का है और लेटर सीरीज में आपको पता है जब थ्री लेटर वर्ड्स आपको दिए जाते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट वाले को चला लो या ऐसे देख लो के एल एम एन ओ, यान ओ यानी स्टार्टिंग ओ से होनी चाहिए तो पहले दो ऑप्शन तो तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत अब इसके बाद लास्ट वाले को चला लें तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह लास्ट में भी ओ चाहिए तो बस ये भी डिलीट हो गया आंसर क्या बनेगा ए आंसर क्या बनेगा ए है ना है ना बॉस आंसर ए बनेगा कि नहीं बोलो जल्दी यस yes, यस yes. आंसर ए बनेगा अगला क्वेश्चन देखो डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ अभी ये क्लास लेने के बाद मैं संगम पहुँच रहा हूँ चिंता ना करो देखते हैं कितने टाल रहे हैं वहाँ पे आज देखो <coughs> अगले क्वेश्चन में करें आ जाओ जल्दी से इधर देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाओ ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आ गया अब ये देखो क्या करना है सबसे पहले फटाफट फड़ क्या करो कि जितने लेटर हैं ना उसको काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अट्ठारह हैं तो तीन और छः का ग्रुप बनाओगे और नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ लेटर देखो क्या है नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ लेटर अगर एक वाई जेड से हम बनाते हैं तो ये बन नहीं पाएगा छः छः के ग्रुप में बांट दो इसको एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः दो दो चार दो छः हो गया अब देखो एक्स जेड लास्ट में वाई जेड है लास्ट में वाई जेड है शुरू में एक्स जेड है एक्स जेड हो गया एक्स जेड के बाद भी एक्स है तो एक्स जेड डबल एक्स वाई जेड एक्स जेड डबल एक्स वाई जेड एक्स जेड डबल एक्स वाई जेड यानी मैंने क्या भरा एक्स भरा जेड भरा एक्स भरा एक्स भरा एक्स भरा है ना एक्स जेड ट्रिपल एक्स तुम्हारा आंसर बनेगा यानी आंसर आपका क्या बनेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राइट सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ओके okay, ओके okay. <coughs> देखो इस समय मैं आपको जो है ये पेपर करा रहा हूं है ना ये कोई मॉक टेस्ट ये जो है ये आपको एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है और एस एस का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है बच्चे एग्जाम दे रहे हैं है ना तो इसलिए मैं एस एस सी के लिए अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ है ना अभी आपका सीजियल मेंस का होने वाला फिर उसके रिकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा बीच में सीजियल मेंस के लिए मैं करा भी रहा था लेवल में फिर बढ़ा दूंगा है ना तो अभी आपको क्या करना है कि अभी जो एस एस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ तो जिन बच्चों को एस एस देना है वो डेफ़िनेटली इस कोर्स को करें राइट right? अगले क्वेश्चन को देखो सर कोई शेयर नहीं कर रहा तुमने किया कि नहीं धीरज हाँ शेयर तो नहीं कर रहे हैं सब है ना भाई ये लोग बहुत बदमाश हैं कोई बात बात मानते मानते नहीं हैं चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये डाइस का प्रॉब्लम है मैं डाइस बना देता हूं बहुत लाइट है इसमें ये डाइस है और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये डी है ए है ई है, है और ये क्या एफ है ई है बी है अब आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लगा सकते हो बताओ मैंने तुम्हें डाइस ऐसा पढ़ाया है कि देखते ही आंसर मार सकता है बताओ भाई आंसर क्या होगा फटाफट पड़ करो 203 अभी पहुंचे हैं प्लस पहुंचाना है जल्दी से शेयर करो भाई शेयर करो जो संगम में टहल रहे ना उधर तो नेटवर्क नहीं चलता ना तो लग रहा है कि सब आज संगम गए हैं क्योंकि नेटवर्क उधर चलता नहीं इसलिए वो पढ़ तो रहे नहीं है ना इधर देखो इधर देखो इधर ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है वेराइटी फर्स्ट का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही सतह कामन है कौन सी ई तो ई डी ए डी ए वही काम यहां भी करोगे ई बी एफ ई बी एफ जो पूछे बता दो एका विपरीत पूछ रहा है एक का विपरीत यप होगा काम खत्म और जो दिखाई न दे नीचे लिखते हैं तो विपरीत पूछा था एका विपरीत यप हो जाएगा राइट अगला क्वेश्चन देखो अब ये बताओ जल्दी से फटाफट करो ये क्वेश्चन कौन करेगा जल्दी करो आंसर करो इसका इस क्वेश्चन को करो जल्दी से गुड इवनिंग गुड इवनिंग हमने गुड इवनिंग सबको बोल दिया है आते ही मैं बोल देता हूँ सबको है ना पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलता हूँ वो सबको बोलता हूँ चलो बच्चा चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत आसान लग रहा है बेटा जब हम पढ़ाते हैं तो आसान लगता है है ना इधर देखो इधर देखो इधर देखो इसमें क्या करोगे क्वेश्चन क्या होगा फटाफट फड़ करो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा इक्वेशन को बैलेंस करना है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द स्टार साइन एंड मेक द गिवन इक्वेशन बैलेंस जल्दी करो फटाफट फड़ करो देखो सबसे पहले क्या है कि अगर पहला विकल्प अगर आप चूज करते हैं अगर यहाँ पर सेकेंड नंबर पर अगर आपने डिवाइड को डाला तो आठ बटा छः आठ बटा छः फ्रैक्शन बन जाएगा और दोस्त अगर फ्रैक्शन बनता है अगर आपका फ्रैक्शन बन जाता है है ना तो अगर आपका मान लीजिए फ्रैक्शन बनता है तो है ना एक मिनट समथिंग वेंट रॉन्ग कुछ प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी अभी तुरंत सही हो जाएगा डोंट मरी है ना ओके देखो अब सही है तो अगर यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाता है मान लो आपने डिवाइड को यहाँ पे डाल दिया तो आठ बटा छः बन जाएगा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बन गया तो आंसर तो होगा नहीं तो भाई ये तो आंसर नहीं होगा ठीक है ये तो आंसर नहीं होगा अब इसके बाद दूसरा वाला चेक कर लें अगर आपने यहाँ पे डाला तो इसको काट सकते हो डिवाइड इससे काट सकता है इसको चेक कर सकते हैं और अगर यहाँ पर आपने डिवाइड डाला सात बटा आठ किया तो भी फ्रैक्शन बनेगा आंसर ये नहीं हो सकता यानी इन दोनों को चेक कर लिया जाए तो सात बराबर आठ गुड़े सौ तीस डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आठ छक अड़तालीस हो जाएगा और इसको काट देगा दो छका बारह और दो पाँचे दस पैंसठ पैंसठ से अड़तालीस तीस करेगा तो ये तो होगा नहीं ये भी नहीं होगा डेफिनेटली आंसर आपका चौथा होना चाहिए देखो कैसे सात हो गया तो सात गुड़े आठ कर लो प्लस छः कर लो बराबर एक सौ तीस कर लो और डिवाइडेड बाई टू कर लो माइनस थ्री कर लो तो देखो कितना हो जाएगा सात वाटे छप्पन छप्पन और छः बासठ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इसको काटोगे पैंसठ पैंसठ में से तीन गया बासठ यानी बैलेंस हो गया यानी आंसर आपका क्या हुआ डी है ना सारे बच्चों का आंसर डी है आंसर डी है कि नहीं बोलिए बिल्कुल आंसर डी करेक्ट है आंसर डी करेक्ट है महादेव महादेव मेरे जबरदस्त फैन है क्या बात है रितेश द्विवेदी आई नो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम भी मेरे बिगेस्ट फैन हो अगला देखो अगला देखो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट पड़ जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ये देखो इस क्वेश्चन को करो सभी लोग जल्दी से आई एम वेटिंग सब लोग करो जल्दी से क्या होगा फटाफट पड़ करो हर सेट में आपको एक अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर देता है कहता है सात के पांच क्रमागत गुणजों का योग दे रखा है है ना सात के पांच क्रमागत गुणजों का योग तो मान लो सेवन एक्स हो गया है ना योग प्लस सेवन एक्स प्लस वन हो गया प्लस सेवन एक्स प्लस टू हो गया प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री हो गया प्लस सेवन एक्स प्लस फोर हो गया इसका योग दे रखा है कितना चार सौ पचपन दे रखा है ऐसे क्वेश्चन बना के लगा दो फटाफट जल्दी से कितना हो जाएगा बोलो तो हो जाएगा सेवन एक्स सब में मिलेगा तुमको सेवन एक्स कामन कर लो और ये कितना हो जाएगा चार तीन सात दो नौ एक दस हो जाएगा है ना प्लस सेवन टेन बराबर कितना जाएगा? 455 आ जाएगा चार सौ पचपन आ जाएगा है ना दस सात सत्तर सत्तर घटा दो इसमें से सत्तर उधर माइनस कर दो तो ये पाँच हो गया पाँच में, में से पंद्रह में से सात गया आठ हो गया तीन सौ पचासी और तीन सौ पचासी में सात का भाग दे दो तो सात पाँचे पैंतीस और सात पाँचे पैंतीस ओ सात पाँचे पैंतीस सात पाँचे पैंतीस यक्ष कमान कितना आ गया पचपन आ गया मान कितना आ गया सात पाचे पैंतीस सात पाचे पैंतीस पचपन आ गया तो बताओ तुमसे पूछा क्या है तुमसे पूछा क्या है बताओ जल्दी से क्या पूछा इस श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या तो तुम्हारी यही है ना तो क्या हो जाएगा का कमान पचपन पचपन और चार कितना फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन में सात का मल्टीप्लाई सात नवा तिरसठ को तीन छ सात पाँचे पैंतीस और छ कितना हो जाएगा इकतालीस चार सौ तेरह कहीं है ओके कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ गड़बड़ तो हो रहा है कहीं ना कहीं कितना हो रहा है सात दस सात सत्तर सत्तर घटा रहे हैं पंद्रह में से सात गया आठ और तीन सौ पचासी सात से काट दिया पचपन तो पचपन अगर यहाँ पर रखते हैं पचपन उनसठ सात नवा तिरसठ को तीन छः सात पाँच छः पैंतीस छतालीस चार सौ तेरह यानी कि सबसे सात के पाँच क्रमागत गुर्जों का योग चार सौ पचपन है चार सौ पचपन है इस श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है ओके तो ये कितना जा रहा है चार सौ पचपन दे रहा है ना ओके तो अगर मान लो हम लोग इसका करते हैं ऐसे कैलकुलेट करते हैं सेवन एक्स हो जाएगा प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन और ये कितना हो जाएगा सेवन एक्स प्लस फोर्टीन सेवन एक्स प्लस फोर्टीन हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन हो गया अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी एट सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी एट हो जाएगा राइट ओके अगर मान लो इसमें सब में सेवन एक्स है तो सेवन एक्स को मैं कामन ले लेता हूँ सेवन एक्स कामन ले लिया ठीक है तो सेवन एक्स को अगर हम लोग ले, ले लेते हैं कामन तो फिर क्या हो जाएगा सब में है तो जोड़ना पड़ेगा ना सात एक्स सात एक्स सात एक्स सब जोड़ लो सात एक्स सात 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 चौदह सात इक्कीस पैंतीस एक्स होगा या सॉरी पैंतीस एक्स होना चाहिए पैंतीस एक्स प्लस सेवन टेन यहाँ पर रखना था तो यहाँ पर अगर हम लोग पैंतीस एक्स रख लेते तो बन जाता पैंतीस यहाँ पर रख लें तो कितना आ जाएगा पैंतीस पैंतीस ग्यारह आ जाएगा सॉरी ग्यारह अब यहां पर मान रख दिया जाए सेवन एक्स प्लस फोर यहां पर अगर रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा x का मान रख दो अलेवन ग्यारह चार पंद्रह सात एक सौ पाँच आंसर डी आएगा सॉरी वहां पर सेवन यक्स कामन नहीं होगा बल्कि जोड़ेंगे ना जोड़ेंगे तो वहां पे पैंतीस शक्स लेना चाहिए था यहां पे पैंतीस होगा राइट ओके वो कैलकुलेसन मिस्टेक हो गया बाकी कोई नहीं आंसर ऐसे ही लगेगा आंसर इसका कितना आ जाएगा वन जीरो फाइव आई थिंक कि आप लोग भी वन जीरो फाइव कर चुके होंगे बहुत सारे बच्चे कर भी लिए हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया वन जीरो फाइव आंसर सही है भाई वन ट्वेंटी फाइव नहीं वन जीरो फाइव सही है है ना बिल्कुल चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर एटीन देखो क्या है इसको करो इस क्वेश्चन को फटाफट बनाए जल्दी से सभी लोग जल्दी करें जल्दी करो बेटा जल्दी करो चलो देखो अंशिका ठाकुर डी आर के ओके अगला क्वेश्चन पे चलें देखो अभी इधर आ जाओ छह व्यक्ति एबीसीडी या पे एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं एक वृत्त बना लो और ऑल फेसिंग टू और सेंटर क्या कहता है बी ए और ई e के बीच बैठा है बी जो है ए और ई e के बीच में बैठा दो अब कुछ बच्चे सोचेंगे आपको कैसे पता कि ये इधर होगा ये इधर होगा अरे हमें नहीं पता यार एक और विकल्प ले लो बी को बैठा लो ई e को इधर ए e को इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं है तीन सीट और लगा लो बस और क्या ठीक है छः लोग हो जाएंगे छः लोगों को बैठाना है ओके बी ए और ई e के बीच में बैठा है सी डी और यप के बीच में बैठा है सी डी और यप के बीच में बैठा है ओके okay. फिर क्या कहता है यप के ठीक बाई और यप ए के ठीक बाई और बैठा है एक चीज़ याद रखना कि जब व्यक्तियों का मुख केंद्र में होता है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बैठाते हैं और बाएं के लिए क्लॉकवाइज बैठाते हैं तो कहता है कि सी कहता है कि बी ए और ई के बीच बैठा है सी डी और यभ के बीच में बैठा है यफ़ ए के ठीक बाईं और बैठा है तो इनका बायां किधर होगा इनके बाएँ तो आप बैठा नहीं सकते इनके बाएँ आप नहीं बैठा सकते हैं बाएँ तो बी बैठ जाएगा यानी ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा है ना? बी कहता है कि बी कहता है यप ए के ठीक बाएँ बैठा है इमेफ इज इमीडिएट ऑफ ए इमीडिएट ऑफ ए तो यप को यहाँ बैठाना पड़ेगा इमीडिएट लेफ्ट कर दिया ठीक है अब देखो सब बैठ जाएंगे अब कहता है सी जो है डी और यफ़ के बीच में बैठा है सी जो है डी और यफ़ के बीच बैठा है तो डी को यहाँ बैठा दो सी डी और यभ के बीच बैठा है सब लोग बैठ गए जो पूछे बता दो क्या पूछ रहा e है ई e के ठीक दाहिने कौन बैठा है ई के ठीक दाहिने तो बताओ जब व्यक्तियों का मुँह जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ होता है तो दाहिने के लिए क्या बताएं एंटी क्लॉकवाइज होता है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलोगे और क्या पूछा ई e के ठीक दाहिने कौन बैठा है तो आंसर आपका डी हो जाएगा आंसर बिल बी बी क्या हो जाएगा भाई आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट ओके okay. आंसर आपका बी हो जाएगा चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से इधर देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आई थिंक यस और ये है छह दोस्त हैं ओके okay. ये क्या कहता है छह दोस्तों ने छह दोस्तों नेहा काव्या गीता वरुण पूजा कपिल अलग अलग उम्र के हैं गीता पूजा से बड़ी है गीता किससे बड़ी है गीता पूजा से बड़ी है तो आप चाहो तो इसको रैंक जो है आ, आप साइंस से भी कर सकते हैं पूजा से बड़ी है ठीक है गीता पूजा से बड़ी है या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको रैंक ऐसे भी दे सकते हैं ठीक है ऐसे भी दे सकते हैं छह दोस्त हैं नेहा काव्या गीता वरुण पूजा कपिल अलग अलग उम्र के हैं गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है वरुण से छोटी है तो वरुण इधर आ जाएगा वरुण वरुण गीता से बड़ा हो गया है ना ओके फिर क्या कहता है लेकिन वरुण से छोटी है तीन मित्र गीता से बड़े हैं इट मीनस क्लियर तीन मित्र अगर गीता से बड़े हैं तो गीता थर्ड प्लेस यहां पर आ जाएगी गीता और तीन लोग इससे ऊपर हो जाएंगे तीन लोग गीता से बड़े हैं ठीक है तीन मित्र गीता से बड़े हैं और कुल मिला के छः दोस्त ही हैं कपिल की उम्र वरुण और काव्या की उम्र के बीच है कपिल वरुण और काव्या के बीच है वरुण और काव्या काव्या के बीच कौन है आ। कौन कपिल है कपिल कपिल वरुण और काव्या के बीच हो जाएगा फिर क्या कहता है पूजा केवल एक दोस्त से बड़ी है इट मीन क्लियर कि पूजा यहाँ पे होगी केवल एक दोस्त से बड़ी है तो सबसे ऊपर काव्या आ जाएगी काव्या इसके बाद आ जाएगा कपिल कपिल के बाद आ जाएगा वरुण ठीक है वरुण आ जाएगा अब एक कोई और बचा जो सबसे नीचे आ जाएगा कौन बचा है छह दोस्त है नेहा सबसे नीचे कौन आ जाएगा नेहा आ जाएगी अब जो भी पूछे बता दो इनमें सबसे छोटा कौन है नेहा अब ये लोग चाहे जो भी है इसमें सबसे छोटा कौन है नेहा तो ये रैंक वाले सवाल होते हैं और डेफिनेटली आपके जैसे पी का एग्ज़ाम होता है या जी का एग्जाम होता है या एस एस सी सीजल में भी पूछ सकता है तो रैंक के भी सवाल जैसे उम्र पर आधारित है ना लंबाई पर आधारित है ना इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है चलो अगले पे आ जाओ जल्दी से अगले पे आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी ये देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कर लेते हैं कि वर्ग नींबू को बता रहा है वर्ग किसको बता रहा है नींबू को और फिर क्या कहता है वर्ग नींबू को प्रतिनिधित्व करता है वृत्त मीठे को प्रतिनिधित्व करता है और फिर कहता है त्रिभुज फल को प्रतिनिधित्व करता है ठीक है आयत खट्टे को प्रदर्शित करता है सब कुछ बता दिया आपको खटभुज किसको संतरे को प्रतिनिधित्व करता है संख्या ज्ञात कीजिए जो नींबू के फलों का प्रतिनिधित्व करता है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं आपको बताना है फाइंड द नंबर विच रिप्रेजेंट्स लेमन फ्रूट दैट आर सार बट नॉट स्वीट दैट आर सार बट नॉट स्वीट तो देखो सार होना चाहिए और कैसा नींबू होना चाहिए फल होना चाहिए तो नींबू होना चाहिए फल होना चाहिए मतलब नींबू और फल होने के लिए आप जानते हो नींबू और फल होने के लिए आप जानते हो देखो नींबू और फल होने के लिए फल होने के लिए त्रिभुज में आना जरूरी है और नींबू होने के लिए स्क्वायर में आना जरूरी है तो पहले तो इस रेंज में आप आ जाओगे अच्छा कहता है जो खट्टा होना चाहिए तो खट्टा होने के लिए खट्टा होने के लिए है ना खट्टा होने के लिए आपको आयत में आना ज़रूरी है ठीक है फिर इसके बाद क्या कहता है लेकिन मीठा नहीं है तो मीठा नहीं है तो सर्किल से बाहर निकलना होगा सर्किल से बाहर निकलोगे तो भैया देखो फिर आपको 45 मिलेगा तो आंसर आपका क्या मिलेगा ए आंसर क्या हो जाएगा 45 फिर आपको 45 सी मिलेगा तो आंसर एक करेक्ट है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये है सिलॉक्स सिलाक्स का क्वेश्चन आपको करना है और मैं गारंटी है कि जो भी बच्चे को मैं सिलाक्स पढ़ाया हूं कभी उसका गलत हो ही नहीं सकता है ना देखो यहां पे क्या कहता है सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर सम एक्टर्स आर बोलता है सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर ये देखो ये एक्टर हो गया और एक कोरियोग्राफर हो गया एक्टर और ये कोरियोग्राफर आल कोरियोग्राफर्स आर प्रोड्यूसर पूरे कोरियोग्राफर क्या है प्रोड्यूसर हैं प्रोड्यूसर हो गया फिर है नॉट अ सिंगल नॉट अ सिंगल मतलब नो यूनिवर्सल निगेटिव होता है नॉट अ सिंगल को आप यहाँ पे नो no भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं नो no लिख सकते हैं नो प्रोड्यूसर इज अ डायरेक्टर नो प्रोड्यूसर इज अ डायरेक्टर डायरेक्टर आप यहाँ लिख सकते हैं तो याद रखना कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है तो कोरियोग्राफर नहीं होगा लेकिन डायरेक्टर जो है डायरेक्टर जो है वो एक्टर हो सकता है मे बी पॉसिबल कन्फर्म आप नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टर एक्टर होगा लेकिन इट इज़ ए पॉसिबिलिटी ये हो सकता है जिसके बारे में कुछ कहा ना जाए वहाँ पे आप संभावनाएँ व्यक्त कर सकते हैं है ना और यहाँ पर जो इस जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें साफ लिखा होता है एज्यूमिंग द गिंग स्टेटमेंट इज टू बी टू फाइंड आउट विच ऑफ द कंक्लूजन इज डेफिनेटली करेक्ट दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताओ कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है तो जो संभावना में होता है वो गलत हो जाता है तो देखो क्या कह रहा है कुछ अभिनेता निर्देशक हैं सम एक्टर्स आर डायरेक्टर सम एक्टर्स आर डायरेक्टर अब यहीं पर मैं जोड़ दूं इट इज अ पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगा लेकिन ये बात गलत हो जाएगी निश्चित रूप से सही नहीं है बट इट इज़ ए पॉसिबिलिटी यहाँ लग जाए तो सही हो जाएगा है ना बट गलत है वो दूसरा क्या कहता है एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है नॉट ए सिंगल नॉट ए सिंगल मतलब नो no लिख लो नो एक्टर इज अ डायरेक्टर नो एक्टर इज अ डायरेक्टर डेफिनेटली आप ये भी नहीं बोल सकते हैं नो एक्टर इज अ डायरेक्टर डेफिनेटली तो आप ये भी नहीं बोल सकते नो एक्टर इज अ डायरेक्टर तो भैया गलत तो ये भी है लेकिन एक चीज़ याद रखना है ना अभिनेता निर्देशक अभिनेता निर्देश यहां पर क्या है कुछ अभिनेता निर्देशक हैं यहां पर क्या है कि कोई अभिनेता एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है इसको नो लिख सकते हैं आप कोई लिख सकते हैं कोई अभिनेता निर्देशक नहीं ऐसे लिख सकते हैं एक ही बात है नॉट ए सिंगल या नो एक ही चीज होता है तो देखो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ाया है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑलवेज कंक्लूजन में चेक किया जाता है कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव दो बातें कभी भी एक साथ न सही हो सकती हैं न कभी एक साथ गलत हो सकती हैं अगर दोनों निष्कर्ष कथन के द्वारा सही नहीं हो रहा है अगर दोनों निष्कर्ष कथन के द्वारा अगर सही नहीं हो रहा है तो दोनों को आप गलत नहीं काट सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको चेक करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री कैसे चेक होता है ये हमेशा कंक्लूजन में चेक होता है और ये आई टाइप का है और ये वाला जो है ई e टाइप का है आपको बता दें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ए ओ आई ओ आई ई से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है याद रखना और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने की भी शर्त होती है क्या होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होता है अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है और ए टाइप का कंक्लूजन ओ टाइप का अगर साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा आई टाइप का कंक्लूजन ओ का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा आई टाइप का कंक्लूजन ई का टाइप का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बनने की शर्त क्या होती है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए अभिनेता निर्देशक दोनों में कॉमन है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज आइदर कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज कहीं दिया है क्या आइदर कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज यहां पर होना चाहिए आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट नो कहता है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड नो फिर कहता ओनली सेकेंड नो तो अब यहां पे क्या करेंगे भाई देखो मेरा आंसर तो आइदर आर में आ रहा है लेकिन यहां पे क्या कह रहा है ये कह रहा है आइदर आइदर कॉन्क्लूजन फर्स्ट नॉर ऐसा कभी देखा आपने नाइदर नार होता है आइदर नॉर नहीं होता है यानी यहां पे आइदर आर होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर ए हो जाएगा अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से मैथ्स का टाइम हो गया है और मुझे एक मिनट और लगेगा बस ये देखो इसमें आप क्या करेंगे क्यू है आप इसका तुरंत आप जो है मिरर इमेज अगर बनाना है तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें दो बातों का ध्यान रखते हैं इसमें पोजीशन जो है रिवर्स हो जाता है इसमें ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है और प्रत्येक लेटर हॉर्जेंटली इन्वर्ट हो जाता है पलट जाता है तो आप देख सकते हैं क्यू पलट गया है सी यू पलट सी भी पलट जाएगा पी भी पलट जाएगा और एट भी पलटेगा तो एट ही दिखेगा डी पलटेगा और यह पलटेगा तो ऐसा जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं तो तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं इसको तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं और इन दोनों में तुम्हारा आंसर है या क्यू के आधार पे ये एलिमिनेट हो जाएगा यानी आंसर तुम्हारा डी बन जाएगा अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट जल्दी से क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ये तुम्हारा किसमें हिडन है ये आकृति किसमें हिडन है आपको बताना है कि ये आकृति किसमें छिपी है फटाफट फड़ देखो सीधी सी बात है यार सीधा सीधा इसमें क्या होता है क्वेश्चन फिगर पर एक बार पेंसिल घुमा दो जिससे सेप का आइडिया मिल जाता है इसमें सेप समान होना चाहिए साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो यानी विज, 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 विजुलाइजेशन टेस्ट है तुरंत बता सकते हो बी आंसर करेक्ट है अब इसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देख लीजिए फटाफट जल्दी से और इसमें क्या कह रहा है ये तो सीरीज का प्रॉब्लम है यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है यहाँ पर तीन ट्रायंगल बना है और यहाँ पर कितना बना है ट्रायंगल भैया देख लो कितना बना है पाँच बना है सीरीज चला दे यार एक तीन पाँच सात जिसमें सात ट्रायंगल दिखे समझ लो आंसर है आंसर बी करेक्ट है इसमें देख सकते हो सात ट्रायंगल बना है देखो नॉन वर्बल तो एक मिनट में हो जाता है पूरा ये देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो ट्वेंटी फाइव लास्ट क्वेश्चन है पेपर कटिंग फोल्डिंग इससे मज़ेदार तो कुछ होता ही नहीं इधर देखो इसमें सिर्फ ओपन करने का काम करना है क्या बोलता है इसको पर, इसको बोलता है इधर मोड़ो उसको उधर मोड़ो फिर नीचे मोड़ो अब तुम्हें क्या करना है ओपन करना है अगर ऊपर की तरफ खोलेगा तो वाटर इमेज बनेगा और हॉर्जेंटल खोलेगा तो मिरर इमेज बनेगा तो ऊपर की तरफ खोलना है ना तो इसका वाटर इमेज बना दे भाई इसका वाटर इमेज अगर आप बनाओगे ना तो देखो अगर आप इसका वाटर इमेज बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे ना हाँ अब क्या होगा अब जब इसको दोनों तरफ खोलोगे तो एक ट्रायंगल तुम्हारा इधर जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा इधर भी आएगा और इधर भी आएगा ऐसा बताओ कहाँ पे है कोई ट्रायंगल है क्या ऐसा 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 है क्या ये आंसर सी तो मेरा आज का सेशन फिनिश हुआ ठीक है मेरा सेशन फिनिश हुआ और राजेश सर का लगता है कि मैं एक मिनट उनका भी खा गया हूँ और राजेश सर अब रेडी हैं अब आपका मैथ्स का सेशन शुरू होने वाला है मैंने आपको पहले ही कहा था कि बैक टू बैक क्लास होगी आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा है ना दो घंटे की क्लास आपको रीजनिंग और मैथ एकदम समझ लो धुआं कर देना है बस सिलेक्शन लेना है तो लेना है है ना अभी तो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल नहीं रहा था अब जबरदस्त आपको रीजनिंग और मैथ्स की क्लास एकदम कॉन्टिन्यू मिलेगी इवन संडे को भी मिलेगी तो आप लोग एकदम रेडी रही और वाईफाई अपना नेटवर्क ये आपका प्रॉब्लम है आप इसको जैसे भी मैनेज करो और तय रेडी रहो अब मैं सर को बुलाता हूं ओके सर वेलकम गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को रीजनिंग की क्लास आपकी फिनिश हो गई है और मैथ की क्लास आपकी चलने जा रही है तो अभी आप लोगों ने देखा जो हम लोग प्रैक्टिस अभी आपको करा रहे हैं हम आप लोग अभी जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं वो एस एस के लिए है जी का पेपर चल भी रहा साथ के साथ बहुत अभी बहुत दिनों का पेपर बचा हुआ है तो सारी चीज़ें अभी हम एनालिसिस करके जो पेपर में आ रहा है सवाल उससे रिलेवेंट सवाल करा रहे हैं चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो रीजनिंग का हो जैसा कि सर ने अभी आपको कराया है तो जो भी रिलेवेंट सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं ऐसा ही सवाल हम लोग करा रहे हैं आपके लिए तो चलिए और क्या हाल चाल है सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त जिंदाबाद हैं क्या हाल चाल आज तो बढ़िया खिचड़ी उचड़ी खा लिए होंगे क्यों भाई बोलो आज तो बढ़िया खिचड़ी उचड़ी खा के मस्त होंगे एकदम सारे बच्चे हैं भाई बोलो हैं <laughs> आज तो बच्चे खिचड़ी विचड़ी खाए होंगे रवि सर जिंदाबाद बिल्कुल रवि सर जिंदाबाद गुड इवनिंग गुड इवनिंग शुभम शिखा शुभम यदुवंशी चलिए एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए जोर लगा के ठीक है धुआं कर देना बिल्कुल धुआं धुआं मतलब कहने का मतलब कि जो भी पेपर होगा आपका हंड्रेड परसेंट क्रैक होगा ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं हंड्रेड परसेंट चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो अब इतने शानदार तरीके से आपको ये क्लासेस मिलेंगी और ये जो क्लासेस आपको मिल रही मैथ और रीजनिंग के ये जो बैक टू बैक ये लाइफ टाइम है समझ लीजिए ये कभी भी तूफान आ जाए तो भी ये क्लास बंद नहीं होगी बस इतना ही समझ लीजिए बस इतना ही समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है <laughs> अरे बोलो अरे सब ठीक है अरे हम कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहे इतना धुआंधार कमेंट चल रहा है मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ एक तो मोबाइल चलिए कोई बात नहीं है हाँ रवि सर फ्लावर नहीं फायर हैं बिल्कुल फायर हैं तो चलें शुरू करें फिर अरे आपकी इजाज़त है बोलो भाई अरे कैसा लग रहा हूँ मैं ठीक लग रहा हूँ ना चलिए तो शुरू किया जाए क्लास बोलो सभी बच्चे एक बार सारे बच्चे थम दबाइए पहले क्या क्लास आज की शुरू किया जाए मैथ एक्सपर्ट गुरुजी को प्रणाम नमस्ते आप सभी का स्वागत है आप सभी का वेलकम है हम आपके लिए पूरी शिद्दत से पूरी जान लगा के पूरी मेहनत से पूरे दिन रात एक करेंगे आपके लिए ठीक है शुरू किया जाए सर क्लास में डंडा रखिए शेयर ना करने वालों को अरे नहीं भाई आप तो सभी मेरे छोटे भाई हैं यार तुम हो तो हम हैं बिना तुम्हारे हम कहाँ हैं है कि नहीं आपके बिना हम क्या हैं कुछ नहीं है चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग एस एस सी जी डी दो हज़ार बाईस के लिए जो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो जो भी हम लोग बच्चों से डिस्कशन करके कि कैसा पेपर आ रहा है और आगे कैसा पेपर आ सकता है वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट जो कि लिखा हुआ है फोर्टी में फोर्टी तो ये लिखा नहीं है जो लिख गया है वो समझ लो कि लिख गया है आपको बस प्रैक्टिस करनी है डेली आपकी क्लासेस सात बजे चल रही हैं और ये लाइफ टाइम है आप जब भी अगर सात बजे यूट्यूब खोलेंगे तो रवि सर को पाएंगे आठ बजे आएंगे तो हमें भी पाएंगे ठीक है भाई चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं सवाल तो पहला सवाल लेते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है चलिए करिए सारे बच्चे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें सारे लोग करिए भाई सारे बच्चे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो द प्राइस ऑफ अ बाइक इज पचहत्तर हजार पाँच सौ. वॉट विल बी द प्राइस ऑफ द बाइक आफ्टर रेड्यूशन ऑफ सेवन परसेंट सवाल दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो पचहत्तर हजार पाँच सौ रुपए है इसमें अगर सेवेंटीन परसेंट रेड्यूस कर दिया जाए तो उसके बाद इस बाइक का प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है बोलिए भाई सभी बच्चे कर रहे हैं एक बार फटाफट जल्दी से आंसर दे दीजिए और मैं हर एक सवाल के लिए आपको एक मिनट का टाइम भी दूंगा और जो भी ये सवाल आपके हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर हैं जो भी आपके पेपर में आ सकने वाले सवाल हैं या आएंगे ये मान के चलिए कि जो हम लोग करा रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट आपके पेपर में सवाल वो आएगा इसी तरीके से सवाल आपके पेपर में आने वाला है चलिए ठीक है भाई हाँ बताइए कभी किसी का आंसर नहीं आया बच्चे बता रहे हैं सी आंसर सही है यानी कि बासठ हजार सौ पैंसठ चलिए सर आपका इंतजार है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई आ चलो भाई देखिए एक बाइक का प्राइस दिया यार पचहत्तर हजार पाँच सौ रुपये देखना और बोला यह गया है कि इसमें सत्रह परसेंट की कमी की गई तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो या तो इसका पंद्रह सॉरी सत्रह परसेंट निकालो इसका सत्रह परसेंट निकाल सकते हो और इसमें से उसका सत्रह परसेंट घटा के बता सकते हो हाँ या ना या आप जानते हो कि यह हंड्रेड परसेंट है और अगर सत्रह परसेंट की कमी की गई है तो इसका मतलब तिरासी परसेंट चार्ज किया जाएगा हाँ या ना तो आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग पचहत्तर हज़ार 500 का 17 परसेंट निकाल के घटाने से बेहतर है कि डायरेक्ट 100 माइनस सत्रह यानी कि डायरेक्ट इसका तिरासी परसेंट निकाल सकते हैं बोलो या ना आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अब हम देखेंगे पांच गुणे तीन पंद्रह यूनिट डिजिट पांच होना चाहिए तो यूनिट डिजिट पांच कहीं नहीं है सिर्फ यह है तो आपको यह देखना है कि पेपर में कितना काम करना सिर्फ उतना ही करना ज्यादा काम नहीं करना है ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल सॉल्व करके ही मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं है जितना काम करने है सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे गए हैं जो आपके पेपर में आ सकने वाले सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चलिए हाँ भाई जितने दरोगा लोग हैं सब लोग आ जाइए दरोगा वरोगा सब लोग आ जाइए सब लोग पढ़िए आगे आपको और भी तो जाना है बोलिए चलो भाई हो गया सभी को समझ आया अरे सवाल समझ आया नहीं आया चलो ये बताओ ये भी सवाल अच्छा है करिए इसे सभी बच्चे क्या होती है कोई बात नहीं लाइट कट गई कोई दिक्कत नहीं बच्चे सब समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं चलता रहता है अस्सी हजार की जनसंख्या 100 परसेंट होती है कोई भी जो वैल्यू है ना वो 100 परसेंट होती है क्या होती है 100 परसेंट इसका मतलब वैल्यू 100 परसेंट है अगर इसको हम बोले तो ये 100 परसेंट की वैल्यू है अगर बोला जाए तो ये 100 परसेंट की वैल्यू है अगर आठ परसेंट कमी होगी तो सौ माइनस आठ यानी कि बानवे होगी और अगर आठ परसेंट इंक्रीज होगा तो सौ प्लस आठ एक सौ आठ होगा अगर पाँच परसेंट का इंक्रीज होगा तो सौ प्लस पाँच एक सौ पाँच परसेंट होगा और अगर पाँच परसेंट का रेड्यूशन होगा तो सौ माइनस पाँच पंचानवे होगा अच्छा ये कमी हुई है तो इसका मतलब अगर इसकी जनसंख्या अस्सी हजार है और आठ परसेंट की कमी हुई है तो ये नाइन्टी टू परसेंट हो जाएगा अरे बोलो हाँ या ना और पांच परसेंट की जब वृद्धि हुई है इंक्रीज हुआ है जब पांच परसेंट का इंक्रीज हुआ है मेरे बच्चों तो ये एक सौ पांच परसेंट हो जाएगा बोलिए हाँ या ना आप कहोगे हाँ सर कोई दुख तकलीफ नहीं है दो जीरो और दो चार जीरो से ये चार जीरो खत्म अब दो पच्चे दस को जीरो यानी जीरो लास्ट में होगा सब में जीरो है कोई बात नहीं अब देखिए इसमें गुड़ा कर लीजिए एक सौ पांच आठ का गुड़ा करिए तो आठ सौ चालीस गुड़े अब कैलकुलेट कैसे करना है ये समझना ये जीरो को छोड़ दो चार दूना आठ यानी एक जीरो होगा उसके जस्ट पहले आठ होगा ये जीरो सबसे लास्ट में होगा उससे पहले आठ होगा तो देखो जीरो के पहले आठ कहाँ है तो यहाँ कर लो देखो सिर्फ काम बहुत तरीके से करना है बहुत सिस्टम से करना है उतना ही करना जितना से काम चले एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ गया एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए और कम से कम 500 से ज़्यादा लाइव होने चाहिए कम से कम 500 से ज़्यादा तो आंसर हो जाएगा सतहत्तर हज़ार दो सौ अस्सी सभी बच्चे बता रहे हैं ना कोई बच्चा गलत तो नहीं बता रहा है अगर कोई बच्चा गलत बताएगा तो उसको मैं अंडमान निकोबार भेज दूंगा चलिए ये बताइए बताइए भाई ये सवाल इस सवाल को करो सेम वही सवाल है लगभग उसी से रिलेटेड सवाल है ये पॉपुलेशन पे बेस्ड सवाल है आपका करिए तो देखते हैं कितने बच्चे बता रहे हैं मैं आपको हर सवाल में एक मिनट का टाइम जरूर दूंगा ताकि आप कर पाइए समझ रहे हैं और ये संगम उंगम का चक्कर छोड़िए पढ़ाई कर लीजिए जीडी का एग्जाम लगा हुआ है तो ये जितने भी जीडी के सवाल हम लोग करा रहे हैं आपको ये सारे के सारे इसी तरीके से पेपर में आ रहा है इसी से रिलेवेंट सवाल तो इससे कर लोगे आप तो आपका काम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए हाँ पाँच के पार होगा तभी तो मजा आएगा तुम पाँच के पार कर दोगे तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला मुझे पता है आपको बाद में बताऊंगा कभी राज की बात है हाँ <laughs> हाँ हा, सही बोल रहा हूं चलो एक गांव की जनसंख्या देखो नौ हजार है यदि वार्षिक जन्मदर यानी जन्मदर मतलब साढ़े बारह परसेंट लोग बढ़ते हैं जन्मदर का मतलब इंक्रीज हुआ एक तरीके से भाई जन्मदर का मतलब इंक्रीज हुआ ना जितने लोग जन्म लेंगे वो एक तरीके से इंक्रीज हुआ और वार्षिक मृत्यु दर टू पॉइंट फाइव परसेंट है मृत्यु दर का मतलब एक तरीके से डिक्रीज हो रहा तो जन्म दर को हम इंक्रीज समझ सकते हैं और इसको हम डिक्रीज समझ सकते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है देखिए इसको हम इंक्रीज समझ सकते हैं इसको हम डिक्रीज समझ सकते हैं मेरे बच्चों साढ़े बारह परसेंट इंक्रीज हुआ और साथ के साथ ढाई परसेंट डिक्रीज हुआ तो जो फाइनली इंक्रीज हुआ वो टेन परसेंट का हुआ क्योंकि आप बोलोगे सर साढ़े साढ़े बारह परसेंट का इंक्रीज हुआ लेकिन ढाई परसेंट घट गया तो फाइनली जो इंक्रीमेंट हुआ जैसे मान लो ध्यान से समझना मान लीजिए गाँव की जनसंख्या पांच है समझा रहा हूं ध्यान से समझना जैसे समझना आप लोग कि मान लो गाँव की, की जनसंख्या चार है इसका साढ़े बारह परसेंट कितना होगा तो आप निकालोगे साढ़े बारह परसेंट तो साढ़े बारह परसेंट निकालोगे तो कितना होगा पचास यानी पचास लोग बढ़े हैं लेकिन ढाई परसेंट कम हो गया तो आप निकालोगे कि सर चार सौ का ढाई परसेंट कितना होगा तो चार सौ का जो ढाई परसेंट होगा ना वो एक होगा बोलो कितना होगा एक होगा ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना चार सौ का कितना कम हुआ ढाई परसेंट तो ढाई परसेंट कितना होगा एक हो जाएगा ना एक और बारह चौको अड़तालीस दो पचास यानी पचास और यहां कितना कम हुआ एक की कमी हुई सही है साढ़े वार्षिक जन्म दर साढ़े बारह परसेंट और वार्षिक मृत्यु दर ढाई परसेंट है तो इसका ढाई परसेंट निकाल लो कितना होगा टू पॉइंट फाइव परसेंट जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और सॉरी पच्चीस चौक सो दस होगा सॉरी दस सॉरी तो इंक्रीज कितना हुआ 40 अगर आप देखो अगर मेरे बच्चों आप ध्यान से समझना तो पचास लोगों का इंक्रीज हुआ और 10 लोग डिक्रीज हुए तो फाइनली जो इंक्रीज हुआ वो 40 लोगों का 40 लोगों का तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनली 40 लोगों का इंक्रीज हुआ है वो कितने में हुआ है वो 400 में हुआ है तो अगर 400 में 40 लोग वृद्धि हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 परसेंट बोल सकते हैं कि नहीं तो ये टेन कहां से आया है तो ये टेन यहीं से आया है कि भाई साढ़े लोग इंक्रीज हुए साथ के साथ ढाई लोग डिक्रीज हुए तो हम बोल सकते हैं कि साढ़े में से ये घटेगा तो टेन तो होगा तो हम बोल सकते हैं टेन परसेंट का जो है वो इंक्रीमेंट है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है आपको हाँ सर कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है तीन वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी तो बस यहां लिख लो नौ हजार और दस परसेंट का जो फ्रैक्शन होता है दस परसेंट का फ्रैक्शन होता है वो एक बटे दस होता है और इंक्रीज हुआ है तो दस से ग्यारह होगा और डिक्रीज होता तो दस से नौ होता यानी इसका कर लेंगे ग्यारह बटे दस और मामला तीन साल के बाद है तो तीन बार कर लेंगे मामला तीन बार है तो तीन बार कर लेंगे तो ये तीन जीरो से जीरो खत्म यानी वन, 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 करेंगे तो लास्ट में नाइन आएगा तो लास्ट में नाइन यहां भी है और लास्ट में नाइन यहां भी है तो कम से कम ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे ग्यारह का क्यूब होगा तेरह सौ इकतीस गुड़े नौ तो नौ एकम एक नौ और नौ तरीके सत्ताइस यानी नौ के पहले सात आएगा तो नौ के पहले सात यहां पे है क्या सभी बच्चे बी आंसर बता रहे हैं देखिए एक बार कमेंट सेक्शन में क्या बता रहे हैं बच्चे हाँ चलिए अभी आप सभी बच्चों का स्वागत है सत्रह तारीख को सत्रह जनवरी को आप सभी बच्चों का स्वागत है एक विशाल इनोग्रेशन में आप सभी बच्चों का वेलकम रहेगा तो सत्रह तारीख को आप आना ना भूलिए बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में सीखने को मिलेंगी जानने को मिलेंगी देखने को मिलेंगी तो आपका स्वागत रहेगा इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सभी बच्चे खुश हैं चलिए खुश हैं तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर चार करिए बताओ बढ़िया सवाल है।, है भाई बोलो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए कम से कम पांच बच्चा लाइव चाहिए फाइव हंड्रेड है ना ठीक है मेहनत करो जी जान लगा के मेहनत करो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को बहुत सिद्धत से चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है उस चीज को मिलाने में तो तुम भी सिद्धत से चाहो ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना दिल से चाहो ना गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज है बस एक बार सिद्दत से चाहने की बात है समझ रहे हैं कि नहीं एक बार शिद्दत से चाहो क्या नहीं मिलेगा चाहने वाले को क्या नहीं मिलता सब कुछ पॉसिबल है एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वॉन्ट चलिए सर क्लास ऑफलाइन चलेगी हाँ चलेगी बिल्कुल चलेगी सत्रह तारीख को मिठाई मिलेगा सत्रह तारीख को मिठाई मिलेगा क्या खाओगे बोलो कहीं तो मिठाई के चक्कर में ही होंगे हाँ सर मिठाई खिला दो हाँ सर मिठाई खिला दो मिठाई 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 कितना खाओगे मिठाई चलिए ये बताइए यदि एक चमड़े के थैले की कीमत ये कीमत नहीं है एक ही में है समझ लेना पंद्रह परसेंट की वृद्धि हो जाती है और फिर पंद्रह परसेंट की कमी हो जाती है तो इसकी कीमत में शुद्ध कितनी की कमी होगी अच्छा एक बात बताऊं आपको अगर किसी चीज को सेम ध्यान से सुनना मैं आपको प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा यानी इसमें प्रैक्टिस भी होगा इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें प्रैक्टिस भी होगा और इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा अगर कभी किसी संख्या को किसी भी संख्या को सेम परसेंट से इंक्रीज करें या उसके बाद डिक्रीज करें पहले बढ़ाएं फिर घटाएं या हो सकता पहले घटा के फिर बढ़ाएं यानी पहले बढ़ा के घटाएं या पहले घटा के बढ़ाएं यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को सेम परसेंटेज से सेम परसेंटेज से इंक्रीज करें उसके बाद डिक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें उसके बाद इंक्रीज करें तो हमेशा कमी होगी हमेशा डिक्रीज़ होगी ऐसे सवाल में हमेशा कमी होगी हमेशा कमी होगी और इस सवाल में हमेशा कमी प्रतिशत पूछेगा तो देखिए इसीलिए इसमें पूछा गया कितने प्रतिशत की कमी होगी तो दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो आप कोई संख्या मान लो एक तो तरीका यह है एक तो तरीका यह है या फिर डायरेक्ट इसका तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि यदि किसी संख्या में पहले एक्स परसेंट की वृद्धि हो और फिर उसके बाद एक्स परसेंट की कमी हो यदि किसी संख्या में पहले एक्स परसेंट की वृद्धि हो और फिर यानी x परसेंट इंक्रीज हो उसके बाद डिक्रीज हो या फिर पहले ही डिक्रीज हो फिर बाद में इंक्रीज हो तो उस केस में हमेशा डिक्रीज होगा उस केस में हमेशा क्या होगा डिक्रीज होगा उस केस में हमेशा और डिक्रीज कितना होता है डिक्रीज परसेंट क्या होता है तो डिक्रीज होगा इसी का स्क्वायर कर देना एक्स स्क्वायर बटे हंड्रेड परसेंट क्या कर देना एक्स स्क्वायर तो पंद्रह का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा दो सौ पच्चीस बटे में सौ और यहाँ लिख लो प्रतिशत तो दो सौ पच्चीस को भाग दोगे आप तो आएगा टू पॉइंट टू फाइव प्रतिशत का हमेशा कमी होगा हमेशा कमी होगा तो जो आपका ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा सही हो रहा है बी सही है सभी बच्चे बता रहे हैं वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा हम लोग तीन सौ के बहुत करीब हैं सत्रह तारीख को भंडारा होगा बिल्कुल भंडारा होगा सभी लोग इन्वाइटेड है मेरी तरफ से सभी लोग इन्वाइटेड हैं चलिए सबको समझ आया कि नहीं ये बताओ ये बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत शानदार सवाल है एक जबरदस्त सवाल है एक शानदार सवाल है यूनिक सवाल है मस्त एक प्यारा सा सुंदर सा सवाल है बताओ क्या होगा बता दो देखते हैं कौन बता रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में देखिए तो कौन बच्चा पहले बताया इसका आंसर लेकिन तुक्का मत बता देना बेटा तुक्का बता दिए तो तुमको हम भेज देंगे चाइना फिर वहीं झेलते रहना चांग चुंग करते रहना है क्वेश्चन नंबर भी डालो ना क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर कई तो ही मार रहे होंगे इसमें क्वेश्चन नंबर डाल दो भाई <laughs> चलिए दिया गया कि तेल की कीमत में पैंतीस परसेंट की वृद्धि हुई है द प्राइस ऑफ ऑयल हैज इंक्रीज बाई थर्टी फाइव परसेंट बाई वॉट परसेंट शुड बी द इनक्रीज प्राइस ऑफ द ऑयल बी रेड्यूस्ड सो दैट द प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स द सेम तेल की कीमत में अगर 35% परसेंट की इंक्रीज हुआ है तो पूछा गया कि उसकी कीमत को फिर से कितना प्रतिशत कम करें कि उसकी कीमत समान बनी रहे तो हमेशा बढ़ने वाली वैल्यू बड़ी और घटने वाली वैल्यू छोटी होती है अगर ये इंक्रीज हुआ है तो पैंतीस हुआ है तो डिक्रीज जो बढ़ने वाली वैल्यू बड़ी और छोटी हो घटने वाली वैल्यू छोटी होती है तो घटने वाली वैल्यू पूछा गया है ना तो पैंतीस से छोटा होगा तो कम से कम ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा कम से कम ये तो कभी नहीं होगा मान लो एक तेल की कीमत सौ रुपए थी सौ रुपये पर लीटर पैतीस परसेंट बढ़ाएंगे तो सौ का पैंतीस होगा पैंतीस रुपया तो सौ प्लस पैंतीस अब तेल कितने का मिलेगा एक सौ पैंतीस रुपया अब एक सौ पैंतीस को फिर से कम करना है एक सौ पैंतीस को कम करना है तो एक सौ पैंतीस को कम करोगे तो कितना कम करोगे पैंतीस लेकिन अब जो पैंतीस कम होगा वो किस पे कम होगा उसके लिए बेस वैल्यू आपकी 135 है पहले 35 का इंक्रीज हुआ इस बेस वैल्यू पे लेकिन अब जो 35 कम होगा वो इसका होगा तो यहां से कैलकुलेट कर लो पांच से कट जाएगा सत्ताईस डिवाइड बाई सईस तो सत्ताईस दुना चौवन चौवन छह साठ दस सत्तर एक सौ साठ और कितने बार में कटेगा आठ बार में तो कटेगा नहीं सात बार में एक सौ नहीं सात बार में नहीं कटेगा छह बार में 120, बीस बयालीस नहीं पांच बार में पांच बार में जाएगा ये पांच बार तो जैसे आप पांच बार जा रहा भाग छह बार तो जा नहीं रहा है तो जैसे पांच गया उसके बाद सोचो विचारो मत काम बन गया जैसे पांच बार गया तो फिर सोचने विचारने की बात नहीं है बच्चे बता रहे हैं चलिए हाँ बच्चे बता रहे हैं कौन कौन बच्चा बताया है धनंजय यादव ने बताया है। सी बाबू धनंजय आपका गलत है धीरज का सही है अतुल वर्मा कनक इमोजी का एक्सप्रेशन क्या होता है चलिए भाई 500 पार करो बिल्कुल आप लोग पार कर देते तो मजा आ जाता ठीक है ना बाकी आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं ले और मैं आपको ये कमिटमेंट भी करता हूं कि मैं आपको पूरी शिद्दत से और हाँ ऐसा नहीं कि बस किसी तरीके से पढ़ा दिया सवाल सवाल सॉल्व नहीं करा रहा हूं सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं यह समझना चलिए तो आगे बढ़े हम लोग चलो ये बताओ अच्छा यह भी तो सेम सवाल है यह भी तो सेम सवाल है बताइए हम्म बताइए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड, गुड बताइए यदि चावल की कीमत में 28 परसेंट की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को चावल में कितनी कमी करनी चाहिए तो 28 से कम होगा पहली बात 28 से कम सारे ऑप्शन है अगर 28 या 28 से ज्यादा होता तो तो पहले कट जाता तो एक व्यक्ति को चावल में कितना कम करना चाहिए ताकि उसके व्यय पे कोई परिवर्तन ना हो मेरे बच्चों सवाल को तो आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो लेकिन एक डायरेक्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं जरा देखिएगा सबसे आसान सा तरीका है और बिल्कुल आसान सा तरीका हम आपको सिखा रहे हैं चलिए 28% परसेंट वृद्धि हुई तो डायरेक्ट लिख लो सौ रुपए का चावल था वो कितना हो गया एक अब बोला गया है कि एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए चावल की खपत में उसके कंजम्पशन को कितने परसेंट रेड्यूस करें तो इधर से आप अगर खर्च मानते हो यानी आपने इधर से क्या माना है खर्च खर्च पहले सौ था अट्ठाइस हो गया तो ये जो दोनों डेटा है ये पहले दोनों खर्च थे अब दोनों को हम खपत मान लेते हैं इधर से हम दोनों को खपत मान लेते हैं इधर से इन दोनों को हम खपत मान लेते हैं बोलिए इधर से हम दोनों डेटा को खपत मान लेते हैं इधर से, से ये खर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर से खपत को खपत पहले एक था अब खपत सौ करना पड़ेगा तो खपत में अट्ठाइस की कमी प्रारंभिक अच्छा कमी और वृद्धि क्या होता है कमी इंक्रीज परसेंट कमी क्या होता भाई कमी प्रतिशत तो कमी प्रतिशत होता है कितने की कमी हुई और उसका प्रारंभिक मान क्या था यानी इनिशियल वैल्यू क्या था उसका प्रारंभिक मान क्या था इनटू हंड्रेड ये होता है और अगर यही वृद्धि पूछा जाता तो यहाँ वृद्धि रख देते बाकी सब कुछ सेम रहता तो अट्ठाइस की कमी हुई प्रारंभिक खपत इसकी एक सौ थी ये प्रारंभिक खपत है ये नई खपत है तो कमी कितने की हुई अट्ठाइस की यहां से गुड़ा कर लो चार से सात बार में और चार से बत्तीस बार में अब ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व कर लो तो बत्तीस या छियानबे चार चालीस बत्तीस से कम बत्तीस तो इक्कीस दशमलव सात के लगभग आएगा इक्कीस दशमलव सात तो ये आ जाएगा यानी ट्वेंटी टू नहीं होगा ट्वेंटी वन होगा ट्वेंटी वन होगा वेरी गुड बहुत अच्छे शाबश चलिए शुभम यदुवंशी ये करिए सवाल को चलिए मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं हिमांशु शुभम आशुतोष एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करें पांच सौ पार करना हम लोगों को आज ही ठीक है विक्रम मौर्या शुभम आशुतोष अतुल वर्मा शेयर बिल्कुल करेंगे सभी बच्चे करेंगे चलिए बीएल प्रतिष्ठान राजेश कुमार मेरे नाम का बच्चा आ गया बहुत बढ़िया वेरी गुड क्या बात है सुनील कुशवाहा मधु शुक्ला धीरज बीएल प्रतिष्ठान आर्यन सिंह राजपूत जय श्री राधे राधे मनमोजी वीडियो बताइए नाम ही मनमोजी है नाम ही है भाई रत्नेश उपाध्याय अनामिका सिंह पूजा पाल श्रुति नीलेष रविंद्र नीलेश चलिए सभी बच्चे शेयर कर रहे हैं वेरी गुड बताइए सवाल का उत्तर बताइए राधा की बचत उसके खर्च में अट्ठाईस परसेंट के बराबर है बहुत अच्छा सवाल है राधा की बचत उसके खर्च के 28 परसेंट के बराबर है बोला गया कि जो राधा की बचत है उसके खर्च के 28 परसेंट के तो खर्च का अट्ठाइस परसेंट तो पहले खर्च मानना पड़ेगा भाई अगर खर्चे के अट्ठाईस परसेंट के बराबर है तो पहले खर्चा मान लीजिए सौ और जो इसकी बचत है वो खर्चा का अट्ठाईस परसेंट के है तो इसका अट्ठाईस परसेंट अट्ठाईस होगा इसका मतलब यहां से मैं आय निकाल सकता हूं आय इनकम इनकम हो जाएगा एक सौ अट्ठाईस बोलो हाँ ना आप कहोगे हाँ जी सर कोई दुख तकलीफ नहीं है कोई दुख तकलीफ नहीं है सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बोलो अगर कोई सौ रुपया खर्चा करे अट्ठाईस रुपया बचाए तो उसकी इनकम एक सौ अट्ठाइस रही होगी अगर कोई दस हजार खर्चा करे और दस हजार बचाए इसका मतलब कि बीस हजार इनकम होगी इन दोनों को जोड़ देंगे तो आय पता चल जाएगी कोई पाँच रुपया खर्च करके दो रुपया बचाए इसका मतलब सात रुपये होगी आगे देखो यदि उसकी आय में पाँच परसेंट की कमी होती है अच्छा कमी होती है अच्छा इसका दस परसेंट कितना होगा देखो किसी भी संख्या का अगर तुमको दस परसेंट निकालना है ना तो डेसिमल एक स्थान से यहां लगा दो बस समझ रहे हो कि नहीं समझना जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि 540 का 10 परसेंट बताओ दो तो दसमलव को एक स्थान यहां से लगा दो बस और कुछ नहीं करना है देखो पांच परसेंट इसका दस परसेंट होगा बारह दशमलव आठ तो पांच परसेंट होगा छह दशमलव चार तो 6 कम करोगे तो बाईस और चार कम करोगे तो इक्कीस दशमलव छह ये हो जाएगा इसकी न्यू इनकम उसके खर्च में दो परसेंट की वृद्धि होती है अब देखो तुमको एक तरीका सिखा रहा हूं चलो यही समझ लो उसके खर्च में दो परसेंट की वृद्धि होती है तो खर्च इसका कितना हो गया एक सौ दो खर्च का दो परसेंट यानी सौ का दो परसेंट दो तो उसकी बचत अब इसमें से इसको घटा दे तो बचत मिल जाएगा तो एक सौ इक्कीस में से दो गया तो उन्नीस दशमलव पहले ये था और अब ये है तो क्या हो गया कमी हुई है ना तो वही पूछा गया उसकी बचत में कितने की कमी होगी तो कितने की कमी हुई पहले उसकी बचत थी अट्ठाईस और अब उसकी बचत हो गई उन्नीस दशमलव तो कितने की कमी हुई एट पॉइंट फोर की तो कमी क्या बताया है? कमी बटे प्रारंभिक मान गुड़े सौ तो ये पॉइंट जीरो से खत्म हो जाएगा चार से कट जाएगा इक्कीस बार में और चार से कट जाएगा सात बार सॉरी हाँ चार से इक्कीस बार में और चार से सात बार में साथ से कट जाएगा तीन बार में तीन गुड़े दस कितना होगा थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट की कमी हो गई उसकी बचत में थर्टी परसेंट की कमी हो गई बताइए क्या सबको समझ आया वेरी गुड बहुत अच्छे अरे कौन बता रहे बच्चे कुछ बच्चे बी बता रहे हैं कुछ बच्चे ए बता रहे हैं कैसे भाई गलत है ना बी वाला सही होगा सताक्षी ब्रजकिशोर आशा बाकी बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं कुछ बच्चों का गलत भी हो रहा है इस सवाल को करिए चलिए क्वेश्चन नंबर एट करिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर एट इंट्रीज लेट बट ग्रेट सर बहुत अच्छा आशा मिश्रा वेरी गुड नेपाल में विमान हादसा हो गया बाबू नेपाल में विमान हादसा हो गया तो क्या करूँ पढ़ाना छोड़ दूँ बोलिए नेपाल में विमान हादसा हो गया सही बात है कोई बात नहीं उन व्यक्तियों के लिए दुख की बात है बट कोई बात नहीं हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और भगवान करें कि जिसका हादसा हुआ है भगवान करें कि वो सही सलामत बचे उनको ज्यादा चोट ना ही हो ये हमारी भगवान से दुआएं हैं भगवान से हमारी प्रार्थना है सर मोटिवेशनल स्पीच बिल्कुल यार मोटिवेशनल स्पीच का मतलब क्या हुआ मोटिवेशनल तो ब्लड में होना चाहिए मोटिवेशनल ब्लड के अंदर होना चाहिए मोटिवेशनल आंखों में होना चाहिए मैं मोटिवेशन कितना दूंगा आपको तो ब्लड के अंदर मोटिवेशन रखना है अगर तुम किसी चीज के लिए ठान लिए तुम जरा सोचो यार कि जब तुम्हारे बगल से कोई इंस्पेक्टर गुजरता है तीन स्टार लेफ्ट में और तीन स्टार राइट में लगा के तो तुम्हारे अंदर क्या सोचते हो तुम तुम क्या सोचते हो जरा ये बात सोचो कि अगर वो स्टार तुम्हारे कंधे पे लगे तो तुमको देखने के लिए कितने लोग तरसेंगे तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए कितने लोग तरसेंगे तो जो तुम सोचो कि जब तुम्हारे बगल से कोई स्टार लगा के गुजरता है कोई गाड़ी में बैठ के सरकारी गाड़ी में गुजरता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो तुमको क्या फीलिंग आती है वो फीलिंग जरा एक बार सोचो फिर देखो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा समझ गया कि नहीं चलिए एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20 परसेंट कम है चलो ये मान लेते हैं ये बॉयज ये गर्ल्स एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से बीस परसेंट कम है लड़कियों से बीस तो इसको सौ मान लेते हैं और इसका बीस कम करेंगे तो अस्सी हो जाएगा एक सामाजिक शिविर में लड़कों में से चालीस परसेंट एक सामाजिक शिविर में लड़कों में से चालीस परसेंट और लड़कियों में से अट्ठाईस परसेंट शामिल होते हैं तो इसका चालीस परसेंट निकाल दो इसका 40 परसेंट कितना होगा 32 लोग शामिल हुए यानी कि 80 में से 32 लड़के शामिल हुए और इसका 100 28 परसेंट सौ का 28 परसेंट अट्ठाईस होगा इसका 28 परसेंट तो 28 ही होगा यानी 32 लड़के और 28 लड़कियां शामिल हुई तो पूछा गया भाग नहीं लेने वाले अब देखिए जो पूछा गया उसी पे काम करिए भाग नहीं लेने वाले तो अगर आप देखें बत्तीस और आठ चालीस और बीस साठ कुल साठ लोगों ने भाग लिया है एक सौ अस्सी लोगों में से तो एक सौ अस्सी लोगों में से अगर साठ लोग भाग लिए हैं तो एक सौ बीस लोगों ने भाग नहीं लिया है यानी एक सौ बीस लोगों ने भाग नहीं लिया है अगर पूछता कितने लोगों ने भाग लिया है तो यहाँ क्या लिखते भाग लेने वाले पूछा कितने लोगों ने भाग नहीं लिया है तो यहाँ लिखेंगे भाग नहीं लेने वाले और नीचे लिखेंगे टोटल एक सौ अस्सी तो ये दो बार में और ये तीन बार में और दो बटा तीन का मतलब होता है छाछट से दो बटा तीन छाछट से दो बटा तीन अच्छा क्या पूछा गया है भाग नहीं लेने वाले लड़कों लड़कियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम अच्छा ये पूछा गया है सवाल कुछ अलग बहुत अच्छा सवाल है इसका मतलब सवाल क्या पूछा गया है स्कूल में लड़कों की संख्या सामाजिक शिविर में भाग अच्छा कुछ और ही सवाल पूछा गया वेरी गुड बहुत अच्छा सवाल है चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज किया है चलिए ध्यान से समझाते हैं आपको मेरे बच्चों ध्यान से समझना स्कूल में लड़कों की संख्या सामाजिक शिविर में भाग नहीं लेने वाले लड़कों की लड़कों लड़कियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है स्कूल में लड़कों की संख्या पूछा गया स्कूल में लड़कों की संख्या तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी अस्सी और सामाजिक शिविर में भाग नहीं लेने वाले तो सामाजिक शिविर में भाग साठ लोग लेते हैं तो एक सौ बीस लोग नहीं लेते हैं ये नहीं लेते हैं ये नहीं लेते हैं भाग नहीं लेते हैं तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है अस्सी और सामाजिक शिविर में भाग नहीं लेते 120 तो पूछा गया है लड़कों की संख्या इससे कितना प्रतिशत कम है तो ये वैल्यू कितना कम है बोलो 40 कम है और किससे कम है 120 से कम है तो 40 को डिवाइड करो तीन से और एक बटा तीन का मतलब होता है तैंतीस से एक बटा तीन अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है थर्टी थ्री टू वन ऑफ थ्री तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो रहा है मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है वेरी गुड चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा हाँ तैतीस दशमलव तीन तीन वेरी गुड सताक्षी अतुल वर्मा यह करिए क्वेश्चन नंबर नौ बताइए अभी हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हमने लिया है तो सभी बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा पूजा पाल राजकुमार, धीरज संतोष शुभम बीएल प्रतिष्ठान सर आपकी कोचिंग से कांटेक्ट नहीं हो रहा है कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं करिए सवाल को चलिए कोई दिक्कत नहीं है बताइए भाई इस सवाल का उत्तर दो संख्याएं सिक्स इंस टू इलेवन के अनुपात में है यदि उनका महत्तम समाप्रता है तो इन दोनों का योग क्या होगा इन दोनों का योग क्या होगा देखो एक संख्या छह है और दूसरी संख्या ग्यारह है ये रेशियो है रियल वैल्यू नहीं है ध्यान से समझना ये रेशियो है ये रियल वैल्यू नहीं है अगर इसका अगर इसका रियल पूछे एस सी एफ कितना होगा तो अगर मान लो अगर मान लो कि ये रियल हम छे और ग्यारह मान लें हम मान लेते हैं कि छह ही ग्यारह है जबकि ऐसा नहीं है ये हो सकता है साठ हो ये हो सकता है एक सौ दस हो कुछ भी हो सकता है अगर हम वास्तव में इसको छह ग्यारह मान लें तो इसका एस कितना होगा वन बोलो लेकिन पूछा गया इसका एस वास्तव में अट्ठाइस है तो जबकि मेरे अकॉर्डिंग अगर एक है और सवाल के अकॉर्डिंग अट्ठाईस है यानी कि इसका अट्ठाइस गुना कितने गुना अट्ठाइस गुना तो सब कुछ अट्ठाईस गुना हो जाएगा पहली संख्या भी अट्ठाइस गुनी दूसरी संख्या भी अट्ठाइस गुनी अगर इसका एलसीएम निकालते वो भी अपने आप का अट्ठाइस गुना हो जाता तो पूछा गया इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा तो दोनों संख्याओं को ग्यारह और एक ग्यारह और छह सत्रह लेकिन यह भी अब अट्ठाइस गुना करना पड़ेगा तो आठ सत छप्पन लास्ट में आएगा छह तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला फोर सेवनटी सिक्स फोर सिक्स इज करेक्ट आंसर बोलिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में ठंड बढ़ गई है अरे भाई ठंड बढ़ गई है कहाँ हैं आप राहुल गांधी की यात्रा में बताइए क्या बात है हमारे बच्चे अब राहुल गांधी की यात्रा से वीडियो देख रहे हैं एक बार इस बच्चे को थैंक यू बोल दीजिए और राहुल गांधी जी को भी थैंक यू ऐसे बच्चों को लेके चलिए कि हमारे अपनी यात्रा से भी हमारी वीडियो देखते रहें बहुत अच्छा मतलब यात्रा कर रहे हैं बहुत अच्छा सर मेहनत करने वाले हैं जलने वाले जलते रहेंगे चाहने वाले साथ बिल्कुल आप लोग हैं कोई दिक्कत नहीं मुझे आगे बढ़े हम लोग अब देखो अगर इस सवाल में आप कुछ भी नहीं करते ना अगर आप कुछ भी नहीं करते तो ध्यान से समझो एक तरीका और बता रहा हूं आपको ध्यान से समझना एक तरीका और बता रहा हूं देखो अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम मान लो पहली संख्या छह है और दूसरी संख्या पहली संख्या छह है और दूसरी संख्या ग्यारह है तो पहली संख्या छह यूनिट दूसरी संख्या यूनिट तो दोनों का योग पूछा तो और का मल्टीपल मिलेगा मतलब सत्रह से कटने वाला तो देखो सत्रह दुनी चौतीस तेरह एक सौ छत्तीस कटेगा सत्रह दुना चौतीस दस एक सौ आठ नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा ये सत्रह दूना चौतीस पांच नहीं कटेगा एक ही ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा बाकी हम यहां से देख सकते हैं अगर पूछता दोनों का अंतर क्या होगा तो ग्यारह और छह यानी कि दोनों का अंतर सात का मल्टीपल देखते बोलिए समझ आया सबको चलिए ये करिए बहुत अच्छा सवाल है सारे बच्चे करें वेरी गुड अरे एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या आपको सेशन मजा आ रहा है देखने में क्या चीजें समझ में आ रही है क्या चीजें क्लियर हो रही हैं कोई दिक्कत तो नहीं है सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तुम यहाँ से निकल ले अरे क्यों निकल ले पढ़ने दीजिए बच्चा है सब बच्चे पढ़ेंगे पंजाब से हूँ मैं पाकिस्तान बॉर्डर से अच्छा भैया पाकिस्तान से भी देख रहे हैं क्या अरे ठीक है चलो कम से कम युगांडा से नहीं देख रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं पाकिस्तान वाले लोग भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड चलिए बताओ ये बताओ दूध और पानी के साठ लीटर के एक मिक्सचर में दूध और पानी की मात्रा का रेशियो ये है बहुत अच्छा यदि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बराबर करना है। बराबर मतलब वन 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 मतलब बराबर होता है तब तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए देखो बहुत आसान है यार ये साठ और बत्तीस तीन रेशियो दो है तो इसको बांट लो तीन दो बांट लो तीन यूनिट दो पांच यूनिट तो क्या आप तीन और दो में बांट सकते हैं साठ को तो आप कहेंगे सर हां पांच की वैल्यू साठ है आप बोलोगे हाँ तीन और दो पांच पांच की वैल्यू साठ है तो एक की वैल्यू बारह होगी और बारह तिया छत्तीस और बारह दो नौबीस अब वन वन करना है क्या करना वन वन मिलाना है तो इसी में तो मिलाओगे अरे मिलाना है तो किस में मिलाएंगे जो कम होगा उसी में मिलाएंगे कितना मिलाएंगे बारह मिला देंगे तो बराबर हो जाएगा बारह लीटर अब कई कर बच्चे सोच रहे होंगे सर किस में मिलाना अरे यहीं तो मिलाना होगा वन वन करना है तो कम वाले में ही तो मिलाओगे अगर घटाने की बात करता तो इसमें घटाते जोड़ने की बात तो इसमें जोड़ते, बोलिए समझ आया वेरी गुड चलिए आइए नेक्स्ट ये सवाल बहुत अच्छा है करो सभी बच्चे सभी बच्चे करें इस सवाल को सॉल्व, एक वस्तु 25% परसेंट और एक्स परसेंट की दो क्रमिक छूट के बाद इतने में बेची जाती है यदि उसका अंकित मूल्य इतना है तो दूसरी छूट बताना है यानी वो दो छूट दिया है एक छूट पच्चीस परसेंट का और दूसरा हमें पता नहीं है उस वस्तु का जो अंकित मूल्य वो नौ सौ साठ रुपए है और वो जो बेचा जा रहा छह सौ बारह में तो पूछा गया आखिर दूसरा डिस्काउंट क्या था दस परसेंट था कि बारह परसेंट था कि चौदह परसेंट था कि पंद्रह परसेंट था बताओ बेस्ट मैथ टीचर आई गुड पूजा थैंक यू सर हमारा डाटा खत्म हो गया है कोई बात नहीं डाटा खत्म हो गया तो वाई फाई रिचार्ज वाईफ करें वाईफाई रिचार्ज कर, वाई कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है चलिए <laughs> करो करो सभी बच्चे करें बताइए भाई बता नहीं रहे यार बच्चे जो भी पूछ रहे हैं उसका कमेंट का रिप्लाई करते रहिए ठीक है चलिए कैसे करोगे अब देखो यार दो तीन तरीके से तुमको समझा रहा हूं समझना अब डायरेक्टली कर सकते हो कि देखो यार नौ सौ साठ रुपए में नौ सौ साठ रुपए का पच्चीस परसेंट डिस्काउंट तो पच्चीस परसेंट मतलब किसी चीज का एक चौथाई पार्ट मैं अगर बोलू पच्चीस परसेंट क्या होगा तो पच्चीस परसेंट का मतलब एक टुकड़ा एक चौथाई पार्ट समझना पच्चीस परसेंट डिस्काउंट दिया पहला डिस्काउंट तो इसका 25% परसेंट यानी एक बटे चार तो 900 960 का अगर तुम ध्यान से समझो तो 960 का अगर आप 25% परसेंट निकालोगे तो 25% परसेंट का मतलब एक बटे चार यानी कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो 240 का मिलेगा अगर सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता तो इसमें से घटा देते और ये सात सौ में बिक जाता ध्यान से सुनना अगर इसका 25 परसेंट डिस्काउंट देते 240 में तो 720 में बिक जाता लेकिन एक डिस्काउंट और दे रहे हैं और उसके बाद ये बेच रहे हैं 612 सौ बारह में तो डिस्काउंट कितने का हो गया कितना कमी हो गई बोलो तो यहां से आठ यहां से सौ एक सौ आठ रुपए तो डिस्काउंट क्या होता है समझना आपको मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस तो जो डिस्काउंट होता है वो कितने का आपने डिस्काउंट दिया वो ऊपर जो डिस्काउंट होगा ऊपर नीचे रखेंगे उसका एमपी और इनटू हंड्रेड तो मेरे बच्चों 720 की वस्तु 612 में बेचेंगे तो 108 का डिस्काउंट देंगे लेकिन इसके लिए ये एमपी क्या काम करेगा ऐसा मत सोच लेना कि ये एमपी है 720 जीरो से जीरो कैंसिल छत्तीस गुना बहत्तर छत्तीस से कट गया तीन बार में और दो से कट गया पांच बार में और पांच गुणे तीन कितना आ गया पंद्रह परसेंट तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पंद्रह एक तो तरीका ये रहा एक तरीका आपका ये रहा ठीक है अब आ जाओ हम एक तरीका आपको और सिखा देते हैं समझना एक तरीका हम आपको और समझा देते हैं एक तरीका आपको और, देते तरीका आपको और समझा देते हैं समझिए अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 10 परसेंट के डिस्काउंट पे बेचेगा तो 90 पे बेचेगा इस बात को हम दोनों तरीकों से समझ सकते हैं कि 10 परसेंट डिस्काउंट देगा तो 90 परसेंट लेगा या अगर वो 90 परसेंट लिया है इसका मतलब कि 10 डिस्काउंट दिया है अगर वो 80 लिया है इसका मतलब कि 20 परसेंट डिस्काउंट दिया है अगर वो पचासी लिया है इसका मतलब कि पचहत्तर पंद्रह का डिस्काउंट दिया है तो डायरेक्ट हम देख लेंगे कि मान लेते हैं कि नौ का अगर पच्चीस डिस्काउंट देगा तो कितना लेगा पचहत्तर और मैंने मान लिया कि फिर उसने कुछ ना कुछ लिया होगा के परसेंट लिया मैंने मान लिया कि उसने के परसेंट लिया और फाइनली कितना लिया छः सौ बारह रुपए तो पच्चीस दिया पचहत्तर पच्चीस से कट जाएगा चार बार में चार से कट जाएगा दो सौ चालीस बार में जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा बारह दूना चौबीस बारह पच्चीस साठ बारह कम बारह और दो से कट जाएगा ये पाँच बार में तीन से कट जाएगा सत्रह बार में और तो कुछ नहीं बचा और सत्रह पच्चे पचासी यानी केक की वैल्यू पचासी आ गई तो पचासी इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ समझिएगा इसका मतलब यह हुआ कि वो नौ सौ साठ का 75 परसेंट लिया फिर वो पचासी परसेंट लिया और अगर वो पचासी परसेंट लिया है तो डिस्काउंट कितने का दिया है 15 परसेंट का अगर वो 85 परसेंट लिया तो डिस्काउंट कितने का दिया 15 परसेंट का बताइए अच्छा दोनों छूट जोड़कर एक छूट कैसे निकाला जाता है जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने पूछा है अगर मान लीजिए एक छूट दस परसेंट का दूसरा बीस परसेंट का है तो बड़ा आसान है दोनों को जोड़ दो दस प्लस बीस और माइनस कर दो दस गोड़े बीस यही आपका उत्तर आ जाएगा दोनों को छूट को जोड़ के निकाल लेना तो तीस में से दो गया कितना आएगा ट्वेंटी एट परसेंट बोलो समझ में आ गया सर फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करिए बाबू फार्मूला क्या है मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं होता कैसा फॉर्मूला मैथ में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता मैथ के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है कैसा फॉर्मूला आप कॉन्सेप्ट समझिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए सर ऑनलाइन कब से ऑनलाइन चल रहा है चलिए बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चे बता रहे साधारण ब्याज पर निवेश की गई आठ सौ रुपए की एक राशि आठ वर्षों में इतनी हो जाती है तो इसी दर से छह वर्षों का साधारण ब्याज अच्छा ध्यान से सुनना कि ये आठ सौ रुपया पैसा हमने जमा किया है कितना जमा किया है आठ सौ रुपये कितना जमा किया आठ सौ तो जो ये आठ सौ रुपये जमा किया ये मूलधन है और बारह सौ रुपया हो गया यानी मिश्रधन है अमाउंट है तो ब्याज कितना मिला चार सौ रुपये तो चार सौ रुपये कितने दिन में मिला है आठ साल में आठ साल में तो एक साल का कितना हो गया बोलो पचास रुपये एक साल का पचास भाई चार सौ जो ब्याज मिला है ये मूलधन है ये मिश्रधन है तो चार सौ ब्याज मिला बट कितने साल में आठ साल में तो एक साल का पचास रुपए तो छह साल का पचास गुड़े छः तीन सौ पचास गुड़े छः तीन सौ रुपये हाँ बिल्कुल कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट मैथ यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा, बट अभी आपके एस एस का एग्जाम लगा हुआ है तो एक बार इसके इसकी क्लास में ले लेता हूं ताकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर एस एस का एग्जाम में प्रैक्टिस करा दीजिए बाकी पूरा कंप्लीट मैथ आपको फ्री मिलेगा ठीक है पूरी कंप्लीट मैथ बस सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक करके अपनी सहमति को व्यक्त करें कि हां हम आपसे एग्री हैं हम आपसे सहमत है ठीक है चलिए ये बताइए ये बहुत अच्छा सवाल है यार क्या बात है इसको कौन बताएगा इसको कौन बता रहा है बताइए इसको कौन बता रहा है एक बार कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के चलिए बारह हजार रुपए की एक राशि प्राप्त वर्ष एक निश्चित दर से तीन वर्ष में इतनी हो जाती है जिसमें ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार ध्यान से सुनना यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से दो वर्ष में कितनी हो जाएगी दो वर्ष में पूछा गया कितनी हो जाएगी यानी अमाउंट कितने वर्षों में दो वर्षों में किस रेट से इसी रेट से तो पहले तो रेट ही निकालना पड़ेगा तो पहले रेट निकालना पड़ेगा ये आपका मूलधन है बारह हजार और ये आपका अमाउंट है अब रेट कैसे निकालोगे रेट निकालने के कई सारे तरीके हैं या तो इसका रेशियो बनाइए या तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ले लीजिए अच्छा मामला कितने साल का है तीन साल का अगर मामला तीन साल का है इसका मतलब ये भी नंबर और ये भी नंबर परफेक्ट क्यूब है ये दोनों के दोनों नंबर किसी ना किसी के क्यूब है ये हंड्रेड परसेंट पांच सौ परसेंट यह भी किसी का क्यूब है ये भी किसी का क्यूब है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको कुछ इलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ मिनिमाइज करना पड़ेगा तब वो आपको दिखेगा बोलो समझ में आ रहा है चीजें क्लियर हो रही हैं चलो तो एक बार काटो इसको काट के छोटा करो चार से तीन बार में और चार से पांच चौको बीस और कटरा काटिए चार से कट जाएगा आपका साढ़े सात सौ बार में और चार से बारह चौको अड़तालीस तीन अड़तीस चार नवा छत्तीस दो चौबीस चार छ के चौबीस और काटो कोई दिक्कत नहीं काटते रहो दो से काटोगे तीन सौ पचहत्तर बार में और दो से काटोगे छः सौ अड़तालीस बार में और काटो तीन से एक सौ पच्चीस बार में दो सौ सोलह बार में अब नहीं कटेगा यानी वास्तव में वैल्यू ये थी लेकिन इसका मल्टीप्लाई कर करके करके कर करके -कर 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 कर -कर -कर ये बना दिया गया है यानी अब ये पांच का क्यूब है और ये छः का क्यूब है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पांच से छ पांच से छ पांच से छ तीन बार हुआ है और अगर पांच से छ हुआ है और अगर पांच से छ हुआ है इसका मतलब कि रेट 20 परसेंट है क्योंकि एक का ब्याज मिला होगा पांच पे तो रेट निकल गया 20 परसेंट अगर कोई सिर्फ इतनी सी बात पूछ लेता कि बताओ ब्याज की दर क्या होगी तो हम तो बोलते 20 परसेंट समझ में आ गया रेट निकाल लिया 20 परसेंट किसी को दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं है चलो आओ रेट निकल गया बीस परसेंट देखो अब बोला गया इसी रेट से दो साल में किस रेट से इसी रेट से कितने साल में दो साल में मिश्रधन धन बताना है तो अगर आप जानते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट तरीका इफेक्टिव रेट का कि अगर 20 परसेंट का रेट है और दो साल का मामला है तो 20 प्लस बीस प्लस बीस गुड़े बीस बटे सौ आप तरीके जानते होंगे बाकी और भी सारे तरीके हैं सॉल्व करेंगे आप इसको तो कितना मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा दो साल में चौवालीस परसेंट यानी चौवालीस परसेंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और 100 परसेंट मूलधन होता है सभी जानते हैं मूलधन 100 तो कितनी हो जाएगी 144 परसेंट तो या तो इसका 44 परसेंट निकाल के इसमें जोड़ लो या तो डायरेक्ट इसका 144 परसेंट निकाल लो डायरेक्ट बात बन जाएगी तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल अब देखो चार दूना आठ लेकिन एक जीरो के पहले जीरो के पहले आठ कहा है तो जीरो के पहले दो है जीरो के पहले दो है जीरो के पहले चार है जीरो के पहले आठ है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ आपको दिमाग से काम करना है टेक्निक लगाना है स्मार्ट अप्रोच सवाल को सॉल्व नहीं करना सवाल तो सॉल्व पूरी दुनिया कर रही है यार यहां समय बचाना था आपका पंद्रह सेकंड बचा और अगर हम दो सवाल बचा लेंगे तो एक सवाल की लीड ले लेंगे और एक सवाल आपको एक हजार जहाँ आपका रैंक आ रहा था वहां आपका रैंक अंडर हंड्रेड कर सकता है चलिए उम्मीद है कि बात समझ गए किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बाकी अगला सवाल करिए चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें अच्छा एक बच्चा बोल रहा है कि सर समझ में नहीं आया बीस परसेंट कहाँ से आया बाबू एक बात समझिए ये तरीका है ये कॉन्सेप्ट है ये जो तरीका है रेशियो से सॉल्व करने का रेशियो से सॉल्व करके रेट निकालने का एक तरीका है बाकी और भी सारे तरीके हैं ठीक है ना बाकी और भी सारे तरीके हैं जब आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा तो और डेप्थ में ले चलूंगा चलिए इसे करिए सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं बहुत अच्छा थैंक यू वेरी गुड नीतीश बहुत अच्छा चलिए मैं आपको बिल्कुल एग्जाम का अप्रोच यार अगर सोचिए मेरे 200 में 200 नंबर हैं 2019 मेंस में तो ऐसे तो नहीं आए होंगे और दो घंटे का पेपर मैं डेढ़ घंटे में सॉल्व करता हूं और आज भी मेरी इतनी इफिशियंसी है कि मैं 200 में 200 चाहे जब करा ले सकते हैं 200 में 200 आज भी मैं कर सकता हूं चाहे जब 2019 में 2000 आउट ऑफ 200 सॉरी 200 आउट ऑफ मार्क्स है तो ऐसे तो नहीं आया गया होगा अप्रोच आपको बताता हूँ कि बता दो एग्जाम में ये चीजें बहुत समझनी है सॉल्यूशन तो पूरी दुनिया करा दे रही है कि सॉल्यूशन बना लो इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो सॉल्यूशन आ गया क्या सिर्फ सॉल्यूशन बनाने से काम चल जाएगा क्या क्या सिर्फ सोल्व करने से काम चल जाएगा हां पी आपको संदेश टेलीग्राम पे अभी आपको मिल जाएगी जैसे क्लास फिनिश होगी इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी बाकी जिसको स्पीड पोस्ट चाहिए स्पीड पोस्ट ले लेना अरे समझे कि नहीं आ जाए करिए अठारह पुरुष किसी काम को नौ दिन में उनके पांच दिन तक काम कर लेने के बाद अब सुनना अगर अट्ठारह पुरुष किसी काम को नौ दिन में करें और पांच दिन तक काम कर चुके हैं यानी पांच दिन का काम फिनिश हो गया है अगर हम आपसे पूछें कि, कि कितना काम बचा हुआ है तो आप कहोगे सर अट्ठारह पुरुष के पांच दिन का काम हो गया यानी चार दिन का काम और बचा है अगर बोलता कि अट्ठारह पुरुष किसी काम को नौ दिन में कर सकते हैं और उन्होंने छह दिन तक काम कर लिया है तो तीन दिन का काम बचता सात दिन कर लेते तो दो दिन बचता आठ दिन कर लेते तो एक दिन का काम बचता लेकिन ये पांच दिन तक काम कर लिए हैं तो नौ में से पांच घटाएंगे यानी अठारह व्यक्तियों के अभी भी चार दिन का काम बचा हुआ है छह अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए तो जब छे अतिरिक्त होंगे अठारह पहले थे छह एक्स्ट्रा जुड़ गए तो चौबीस व्यक्ति कितने समय पूरा करेंगे खत्म हो गया छह की अठारह और छो चौबीस चार से चार कैंसिल हो गया एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री थ्री डेज़ ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके पेपर में सवाल आएंगे सर आज की सीट दे दीजिएगा ठीक है वेरी गुड चलो भाई इस सवाल को करो बहुत अच्छा सवाल है दो पाइप ए और बी किसी टंकी को छ और नौ घंटे में भर सकते हैं पाइप ए शुरुआत करते हैं और प्रत्येक को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है टंकी को कितना समय लगेगा अब देखो यार जरा ध्यान से सुनना अगर दोनों एक एक घंटे के लिए भर रहे हैं दोनों एक एक घंटे के लिए भर रहे हैं अगर यह अकेला भरता तो छह घंटे में भरता लेकिन अल्टरनेट भर रहे हैं तो छह से ज्यादा आएगा तो छह से ज्यादा आएगा ना अब तुम एक बात सोचो अब ध्यान से सुनना अगर मैं काम दस दिन में करूं मैं काम दस दिन में करता हूं और आप भी काम बीस दिन में करें तो जो दोनों लगेगा ना अब आप यहां तक सोच नहीं लेकिन दीरे दीरे आपको सोचना आप परेशान मत होइए चलिए सवाल को पहले करके बताइए क्या इसका उत्तर होगा ए कितने में भरता छे और बी नौ तो इसका LCM ले लो कितना होगा अठारह ये हो जाएगा तीन और ये हो जाएगा दो शुरुआत कौन करता है ए ए आएगा तीन भरेगा फिर बी आएगा दो भरेगा फिर तीन भरेगा फिर दो भरेगा ऐसे भरा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हर दो घंटे में पांच तीन लीटर दो लीटर पांच लीटर तो पांच लीटर कितने भरा जा रहा है दो घंटे में दो घंटे में भरना कितना है कितने घंटे लगेंगे चलिए ठीक है तो ये तीन और दो पांच लीटर भर रहे कितने घंटे में दो घंटे में भरना कितना लीटर तो तो डायरेक्ट आएगा नहीं पहले तीन से गुणा कर लो तो पांच पंद्रह पांच पंद्रह हो गया यहां भी तीन से गुणा करो तो तीन दुना छह यानी कि छह घंटे में पंद्रह लीटर पानी भर जाएगा ध्यान से सुनना छह घंटे में पंद्रह लीटर पानी भर जाएगा अब ध्यान से सुनो यार ध्यान से समझिए कि छठवें घंटे जो छवें घंटे काम कौन करेगा जो दूसरे घंटे किया होगा अरे जो दूसरे घंटे करेगा वही चौथे घंटे करेगा वही छठवें घंटा करेगा वही आठवें घंटा वही दसवें घंटा तो जब छठवें घंटा बी किया होगा ये ए है ये बी है ये ए है ये बी है तो सातवें घंटा कौन आएगा फिर ए आएगा और ये एक घंटे का समय लेगा तीन भरेगा तो टंकी भर गई और समय कितने का लगा सेवन आर का सात घंटे का तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा वेरी गुड बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी वेरी गुड आइए इस सवाल को करिए ये सवाल बताइए स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल है एक बहुत सा प्यारा सा सवाल है एक प्यारा सा सवाल बताइए इसका उत्तर क्या होगा एक यूनिक क्वेश्चन है बताइए अपनी सामान्य चाल की तुलना में तीन बटे चार चाल से चलते हुए एक व्यक्ति सामान्य समय से 18 मिनट देर कार्यालय से पहुंचता है तो उसका सामान्य समय क्या होगा तीन बटा चार चाल से चलता तीन बटा चार तीन बटा चार का मतलब क्या हुआ तीन बटा चार का मतलब क्या हुआ कि चार था मतलब चार था तो वो तीन कर लिया दो बटा पांच का मतलब क्या हुआ कि पाँच था तो दो कर लिया तीन बटा नौ सात का मतलब क्या हुआ कि सात था तो तीन कर लिया बात समझ में आया कि नहीं तो तीन बटे चार का मतलब तीन बटे चार का मतलब कि अगर उसका स्पीड अगर उसकी स्पीड चार थी तो वो घटा के कितना कर लिया तीन कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि तीन से चार कर लिया कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि तीन से चार कर लिया बोलिए ठीक है चार से तीन तो अगर आप जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है आप जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है यानी अगर स्पीड का रेशियो चार तीन होगा तो टाइम का रेशियो होगा तीन चार यानी पहले टाइम तीन यूनिट का लगता था तो अब टाइम चार यूनिट का लगेगा तो कितने का इंक्रीज हुआ एक यूनिट का और यही एक यूनिट किसके बराबर है अट्ठारह मिनट के तो पूछा गया उसका सामान्य समय यह सामान्य स्पीड है और ये घटने के बाद है तो ये सामान्य स्पीड है तो ये सामान्य समय होगा अट्ठारह गुणे तीन यानी जो उसका सामान्य समय था वो मात्र चौवन मिनट था जो सामान्य समय था वो मात्र चौवन मिनट था ऑप्शन नंबर बी चलिए ये करिए क्वेश्चन नंबर ये वाला एक नाव धारा के अनुकूल बहुत अच्छा सवाल है एकनाव धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब होता डाउन स्ट्रीम अ वोट कैन ट्रेवल सिक्सटी किलोमीटर इन थ्री आवर्स वेल द गोइंग डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में अब यहाँ निकाल सकते हो कि साठ किलोमीटर अगर वो तीन घंटे में जा रही है डाउन स्ट्रीम तो हम बोल सकते हैं जो उसकी चाल है वो बीस किलोमीटर पर आर है लेकिन कहां डाउन स्ट्रीम और जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में दोनों की दोनों जुड़ जाती हैं यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल और धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम पांच घंटे में नब्बे ये जो नब्बे जाती है वो कितने घंटों में पांच घंटों में तो ये कितना होगा अट्ठारह किलोमीटर पर आवर यह आपका हो गया अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस की वैल्यू अब पूछा गया है नाव की चाल तथा तो धारा की चाल का अनुपात क्या होगा हालांकि यहां से भी निकाल सकते थे यहां से भी निकाल सकते थे देखो यक्ष का मतलब होता शांत जल में नाव की चाल यक्ष का मतलब हुआ शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल और वाई का मतलब हुआ धारा की चाल वाई का मतलब हुआ धारा की चाल ये हुआ मेरे बच्चों धारा की चाल तो अगर आपको शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू निकाली तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए इन दोनों को जोड़ के हाफ यानी उन्नीस और क्या चाहिए अगर वाई की वैल्यू चाहिए धारा की चाल चाहिए तो इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए तो यह आ जाएगा वन तो धारा की चाल 19 सॉरी शांत जल में नाव की चाल 19 और धारा की चाल एक तो रेशियो बनेगा आपका उन्नीस रेशियो एक ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा मेरे बच्चों बोली बोलिए बहुत अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर ये करिए चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक गोले प्रत्येक दो सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले में बदल दिया जाता है ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं जब एक गोले को पिघला के दूसरा गोला बनाया जाएगा जब उसको मेटल करके मेटल करके जब हम दूसरा गोला बनाएंगे मेरे बच्चों तो उसका वॉल्यूम बराबर होता है उसका वॉल्यूम बराबर होता है तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा गोले का आयतन क्या होता है चार बटे तीन पाईआर क्यूब रेडियस का क्यूब रेडियस की चार है तो चार का क्यूब और छोटे गोले का आयतन क्या होगा इसका भी वही फॉर्मूला चार बटे तीन पाई आर क्यूब कितना बना ना दो सेंटीमीटर वाला दो सेंटीमीटर वाला तो दो का क्यूब हम मान लेते हैं कि ऐसे, ऐसे ऐसे एन गोले बनेंगे यानी ये छोटे छोटे एन गोलों का जो आयतन वो बड़े गोले के बराबर है तो चार बटा तीन पाई से चार बटा तीन पाई खत्म ये हो जाएगा आपका चौसठ बटे में आठ भाग देंगे तो छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे तो छोटे छोटे आठ गोले तैयार होंगे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आठ गोले तैयार होंगे एट गोले वेरी गुड बहुत अच्छा शाबाश चलिए लास्ट के दो सवाल और हैं इसके बाद एक सवाल हम लोग और करेंगे ये आपका उन्नीसवां सवाल है इसके बाद एक सवाल और हम लोग करेंगे करिए सवाल को मेरे बच्चों दिया गया कि तीस परसेंट की एकल छूट यानी कि एक सिंगल डिस्काउंट और 25% परसेंट और 5% परसेंट की दो डिस्काउंट के बीच का अंतर इतना है देखिए जो समतुल्य बट्टा होता है उसका क्या तरीका है अगर कोई इतनी सी बात पूछ ले कि 25% परसेंट और 5% परसेंट इन दोनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा इन दोनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे पच्चीस से चार बार में और चार से भाग देंगे वन और तीस में से ये घटाएंगे तो अट्ठाईस दशमलव सात पांच ध्यान से सुनना अभी आपको अप्रोच सिखा रहा हूं कैसे एग्जाम में करना है यानी जो दोनों डिस्काउंट है वो किसके बराबर है अट्ठाईस दशमलव सात पांच के और ये एकल डिस्काउंट कितना है तीस परसेंट का इन दोनों का अंतर निकालना चाहो तो निकाल लो वन पॉइंट टू फाइव परसेंट इन दोनों का जो अंतर है वो एक दशमलव दो पांच परसेंट है और इसी की वैल्यू दो हजार दे रखी है तो पूछा गया उसकी कितने की खरीदारी की जाती है हंड्रेड परसेंट तो यहां से निकाल सकते हो कि दो हजार को वन पॉइंट टू फाइव से भाग दे दो और सौ से गुड़ा कर लो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर दो जीरो और बढ़ जाएगा पच्चीस से पांच बार में और पच्चीस से अच्छा दो हजार की खरीदारी अच्छा अंतर पूछा गया सॉरी अंतर ही पूछा गया कोई बात नहीं अंतर ही पूछा गया है अंतर ही पूछा गया है देखो ये तीस परसेंट है तो दोनों का अंतर कितना होगा मेरे बच्चों 1.25 परसेंट और 2000 की खरीदारी की जाती है तो इसी का 1.25 परसेंट डिफरेंस होगा इसी का 1.25 परसेंट डिफरेंस होगा तो इसे कैलकुलेट कर लो 125 सौ पच्चीस दो तो जैसे आपने 250 देखा तो 25 को मार्क करिए अब ये मत देखिए कि आगे पीछे जीरो कितने लगे क्या लगे हैं अब देखो इस सवाल को करने का एक तरीका और है कि हम क्या हम इतना पेपर में लिखेंगे नहीं इतना पेपर में नहीं लिखते मेरे बच्चों एग्जाम में इतना नहीं लिखा जाता है वो समझिए हमने ये देखा कि ये भी तीस परसेंट है हमने देखा कि ये भी तीस परसेंट है और ये भी दोनों तीस परसेंट है लेकिन जो अंतर होगा इन दोनों में वो क्या होगा पच्चीस प्लस पांच माइनस पच्चीस गुड़े पांच यानी वन पॉइंट टू फाइव तो डायरेक्ट निकाल लेंगे कि दो हजार का भाई ये ये भी 30 है, ये भी है है तो यहां तो अंतर नहीं पड़ेगा यहां तो अंतर नहीं पड़ेगा अंतर यही पड़ेगा यही अंतर पड़ेगा का यही अंतर पड़ेगा का तो डायरेक्ट निकाल लेंगे तो इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पच्चीस रुपए आ जाएगा चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा आप बताइए सभी बच्चे आप कल की सीट दे दीजिएगा ठीक है बाबू सबको मिल जाएगी क्या एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए एक बार लाइक तो कर दीजिए अभी मात्र 300 लाइक है कम से कम लाइक 500 प्लस होना चाहिए एक बार सभी बच्चे लाइक करके अपनी सहमति को व्यक्त करें और आज का ये लास्ट सवाल है देखता हूँ लास्ट सवाल कौन सही बता रहा है लास्ट क्वेश्चन कौन सही बता रहा है बच्चा एक बार सभी बच्चे पाँच प्लस लाइक करके जाइए और एक बार जब ये वीडियो खत्म होगी अभी लाइव चैट में नहीं जब ये वीडियो खत्म होगी तो एक बार कमेंट सेक्शन करके कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आज आपको क्लास कैसी लगी है ठीक है चलिए सर जी ए का टारगेट बैच कब से है सर चलिए बाबू ए एल का कोई टारगेट बैच नहीं चलता है एल का कभी भी टारगेटेड बैच नहीं होता है आप एल का सिलेबस देखो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो हर चीज का टारगेट बैच नहीं होता है ठीक है भाई चलो किसी टंकी का एक चौथाई भाग पाइप ए तीन घंटे में अब सुनो एक चौथाई भाग एक बटे चार भाग अगर तुम तीन घंटे में भर रहे हो तो पूरा कितने घंटे में भरोगे इसको गुणा कर दो बारह घंटे में बोलिए अगर एक चौथाई मतलब एक टुकड़ा एक टुकड़ा जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा अगर आप तीन घंटे भरते तो पूरा कितने में भरेंगे बारह में ये तो कन्फर्म हो गया इसी टंकी का एक तिहाई भाग बी दो घंटे में भरता है यानी ए अगर कंप्लीट भरे ए अगर कंप्लीट भरे तो बारह घंटे में भर देगा और बी एक तिहाई दो घंटे में तो दो तिया छह घंटे में यदि दोनों पाइप चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो बारह छह कैल्सियम बारह हो जाएगा यहाँ एक यहाँ दो और दोनों मिलके करेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे दोनों की फीसें दो और एक तीन यानी दोनों मिलके टंकी को चार घंटे में निपटा देंगे जैसा कि मैंने आज के लिए बीस क्वेश्चन निपटा दिया क्या आपको समझ में आया एक बार सारे बच्चे जाते जाते मैं आपसे बातचीत करके जाऊँगा अब इतना क्लास लिया तो एक बार आप सभी से बात कर लूँ सर पेड क्लास भी चला रहे हैं नहीं अभी सारी क्लासेस आपके लिए फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए हमें भी अच्छा लगेगा है ना प्रियांशु विवेक शिव विश्वकर्मा जितेंद्र पांडे पूजा पाल चलिए एक बार जाते जाते सभी बच्चों से बात कर लें अंगद यादव ठीक है चलिए जय सर पेट क्लास अभी पेट क्लास नहीं अभी सारी क्लासेस आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स में फ्री में पढ़ा रहा हूँ पढ़ी एक बार ना अभी बहुत पैसा मत खर्च करिए पैसा बचा के रखिए बहुत पैसा हो गया क्या हाँ। <laughs> चलो चलो ठीक है ठीक है हाँ वशु हाय सर अच्छा थैंक यू वशु शिवकर्मा अंबेडकर चलिए जितेंद्र पूनम पिंटू और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया नमस्कार अभिनंदन बंदन गुड नाइट नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एक बार सारे बच्चे वीडियो खत्म होने के बाद ऑफलाइन में जरूर कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगे बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल थैंक यू